हेलो दोस्तों तो आज हम सुपर थर्टी मूवी का फैक्ट एंड रिव्यू बताएंगे तो सबसे पहले हम सुपर थर्टी मूवी का स्टोरी बताते हैं फिल्म फुग्गा के साथ शुरू होती है जो एक सफल व्यक्ति है जो लंदन में अपनी बात रखता है फुग्गा अपने शिक्षक आनंद कुमार से सीखने के अपने अनुभव को याद करते हैं कॉलेज में एक छोटे आनंद को दिखाने के लिए ड्रेस समय पर वापस जाते हैं आनंद एक निमन वर्ग का छात्र है जिसे पढ़ाई का शौक है और वह इसमें अच्छा है एक स्थानीय प्रतियोगिता सत्कार में स्थानीय मंत्री श्री राम सिंह उस पर गर्व करते हैं जब भी जरूरत होती है मदद करने का वादा करते हैं आनंद अक्सर विदेशी गणित पत्रिका में समस्याओं को हल करके गणित सीखने के लिए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के पुस्तकालय जाते हैं एक दिन पुस्तकालय पर्यच पर्यवेक्षक अंत में उसे पकड़ लेता है और कहता है कि उसे वहाँ पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है एक स्टाफ सदस्य ने सुझाव दिया कि वह इस पत्रिका में अपना लेख प्रकाशित करवाएं और इसके लिए जीवन भर मुफ्त सदस्यता प्राप्त करें। आनंद डाक घर जाता है जहां उसके पिता राजेंद्र प्रधान के रूप में काम करते हैं और गणित की एक कठिन समस्या के समाधान के संबंध में एक पत्र पोस्ट करते हैं जिसे अभी तक कोई हल नहीं कर पाया है फिर वह समस्या को हल करने के लिए पत्रिका में छप जाता है और कैम कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रिचर्ड से वहाँ एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए एक पत्र प्राप्त करता है आनंद का परिवार उनका पूरा समर्थन करता है लेकिन परिवार के पास इतना पैसा नहीं है कि वे इंग, इंग्लैंड जा सके आनंद और राजेंद्र मंत्री श्री राम सिंह के पास मदद के लिए जाते हैं लेकिन वह ऐसे किसी भी वादे से इनकार करते हैं आनंद सबूत के तौर पर अपना मेडल देखने दिखाने की कोशिश करते हैं और श्री राम के सम्मान की याद दिलाते हैं लेकिन फिर भी पैसे नहीं मिलते हैं वे दोनों पैसे इकट्ठा करने के की कोशिश करते हैं लेकिन असहाय रहते हैं उसी रात राजेंद्र को डील का दौरा पड़ा और उनका निधन हो गया जबकि उनके बेटे उन्हें अस्पताल ले गए आनंद अपन आनंद ने अपने पिता की मृत्यु और उनकी आर्थिक स्थिति के कारण कैम्ब्रिज जाने से इनकार कर दिया फिर वह परिवार की आमदनी बढ़ाने के लिए शहर में पापर बेचता है एक दिन वह लल्लन सिंह से मिलता है जो श्री राम सिंह का एक एक है एक क्रोनी नौकर है जो एक हाई प्रोफाइल को, कोचिंग सेंटर चलाता है लल्लन आनंद की, को एक्सीलेंस को, कोचिंग सेंटर में शिक्षक के रूप में ले जाता है इससे आनंद को आर्थिक रूप से मदद मिलती है और उनके शिक्षक के लिए उनकी प्रशंसा भी होती है एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन आनंद एक लड़के की दुर्दशा देखता है जिसे गरीबी के कारण छोड़ना पड़ा राजेंद्र के शब्दों को याद करते हुए उन्हें पता चलता है कि इन गरीब बच्चों को भी पढ़ने का अधिकार है आखिरकार वह कोचिंग सेंटर छोड़ देता है और गरीब बच्चों के लिए अलग से ट्यूशन शुरू करता है जिसमें वह एक बार में तीस बच्चों को का नामांकन करता है दुर्भाग्य से यह उसे आर्थिक रूप से चोट पहुंचाता है और उसे अपनी प्रेम रुचि सुप्रिया के समर्थन की भी कीमत चुकानी पड़ती है लेकिन फिर भी वह एक आसान और मज़ेदार तरीके से अवधारणाओं को स्पष्ट करके बच्चों को एक उत्साही और व्यवहारिक तरीके से पढ़ाने का फैसला करता है यह सब लल्लन को गुस्सा दिलाता है जिसका केंद्र आनंद को नहीं बनाए रखने के लिए आलोचना का सामना कर रहा है लल्लन आनंद को वापस लाने के प्रयास में आनंद के केंद्र को मुफ्त जियो जियामी मिट्टी बॉक्स देने की कोशिश करता है लेकिन सफल नहीं होता होता है वह आनंद को एक द्वंद युद्ध की चुनौती देता है जिसमें लल्लन के छात्र और आनंद के छात्र एक ही परीक्षा देते हैं और सबसे कम औसत स्कोर वाले कोचिंग सेंटर को बंद कर दिया जाएगा परीक्षा होती है परीक्षा के परिणामों की घोषणा करने वाले एक समूह एक समारोह में आनंद के छात्र यह जानकर टूट जाते हैं कि वे हार गए कागजात पेश करने के लिए जिस पर आनंद ने प्रतियोगिता से पहले हस्ताक्षर किए थे लल्लन ने उस सुप्रिया और उनके पति को एक आई एक आईएएस अधिकारी के रूप में आमंत्रित किया जो आनंद को झटका देता है हालांकि कागजात नहीं मिले हैं जो आनंद को कागजात पर हस्ताक्षर करने के ऐसे दावों से इनकार करने के लिए प्रेरित करता है बाद में पता चलता है कि सुप्रिया ने कागजात छिपाए हैं जिसका अर्थ है कि वह गरीब बच्चों को पढ़ाने के आनंद के फैसले को समझ गई ट्यूशन के दौरान आनंद को अपने भाई प्रणव और उसकी माँ जो से बहुत मदद मिलती है लल्लन और श्री राम ने आनंद और छात्रों को मारने की साजिश रची ताकि उसके बच्चे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आई संस्थान आईआईटी जी की परीक्षा ना दे ले ललन को के दो गुंडे आनंद को बुरी तरह से चोट पहुंचाते हैं और मौत के कगार पर अस्पताल में भर्ती है वह अपने छात्रों को श्री राम द्वारा भेजे गए गुंडों को हराने के लिए अपने ज्ञान का उपयोग करने के लिए कहता है जबकि उनका इलाज किया जा रहा है छात्र एकता में विभिन्न अवधारणाओं और विषयों के अपने ज्ञान का उपयोग करते हैं और गुंडों को हराते हैं आनंद का सफलतापूर्वक इलाज किया जाता है और वह स्वस्थ हो जाता है कुछ महीने बाद आईआईटी की परीक्षा देते हैं और उनमें से सभी तीस इसे सफलतापूर्वक पास कर लेते हैं तो स्टोरी यहीं समाप्त होती है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का स्टार कास्ट बताते हैं ऋतिक रोशन आनंद कुमार का रोल में नजर आए मुरुनल ठाकुर सुप्रिया कुमार सिंह का रोल में नजर आई वीरेंद्र सक्सेना राजेंद्र कुमार का रोल में नजर आए नंदी नन, संधू प्रणव कुमार का रोल में नजर आए आदित्य श्रीवास्तव लल्लन सिंह का रोल में नजर आए साधना सिंह जयंती कुमार का रोल में नजर आए पंकज त्रिपाठी श्री राम सिंह का रोल में नजर आ विजय वर्मा फुग्गू कुमार का रोल मैनेज रहा है फुग्गा कुमार का रोल मैनेजर है अमित शाद रघुनाथ भारत का रोल में रहा है अनुद सिंह ढक ढक्का रघुनाथ से एड का रोल मैनेज रहा है शरद सोनू हदीम मलिक का रोल मैनेज रहा है मानव गोयल आई एस पुरुषोत्तम सिंह का रोल मैनेजर है आयुष कुमार शुक्ला विनोद का रोल मैनेज रहा है राहुल राज किशोर करवल में नजर आया तो ये थे इस मूवी के स्टार का चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बताते हैं इस मूवी को डायरेक्ट किया है विकास बहल ने और इस मूवी को प्रोड्यूस किया है फैंटम फिल्म्स और नारिय वाला ग्रैंड इंटरटेनमेंट ने और रिलायंस इंटरटेनमेंट में और साथ में आपको बता दें कि इस मूवी को लिखा है यानी कि रिटर्न बाय संजीव दत्ता ने और इस मूवी ये मूवी बेस्ड है आनंद कुमार में और इस मूवी का सिनेमाटोग्राफी अन गोस्वामी ने दिया है और इस मूवी को एडिट किया यानी कि एडिटेड बाय ए श्रीकर प्रसाद ने और इस मूवी को म्यूजिक दिया है यानी म्यूजिक बाय अजय अतुल ने और इस मूवी का रिलीज डेट ट्वेल्व जुलाई टू है और इस मूवी का रनिंग टाइम वन मिनट्स है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का बजट और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताते हैं इस मूवी का बजट सिक्सटी करोड़ है और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस से टू हंड्रेड नाइन करोड़ की कमाई की है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का रिव्यू देते हैं इस मूवी का रेटिंग की बात करें तो फाइव स्टार में से फोर पॉइंट एट स्टार मिले हैं ये पब्लिक रेटिंग है यानी कि पब्लिक रिव्यू है और ये काफी अच्छा रेटिंग है फाइव स्टार में से फोर पॉइंट एट स्टार और जैसा कि मैंने बताया कि इस मूवी का बजट सिक्सटी करोड़ है और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस से टू हंड्रेड नाइन करोड़ की कमाई की है तो ये मूवी हिट साबित हुई और क्योंकि ये मूवी हिट साबित हुई क्योंकि ये मूवी एक रियल स्टोरी पे बेस्ड है यानी कि आनंद कुमार के स्टोरी पे बेस्ड है और इस मूवी का स्टोरी भी बहुत अच्छा है यानी कि ये मूवी का स्टोरी सभी लोग बहुत पसंद कर रहे हैं बहुत लोग इस मूवी का स्टोरी बहुत पसंद कर रहे हैं और इस मूवी का स्टोरी अच्छा है तो आप इस मूवी को ज़रूर देखें हेलो दोस्तों तो आज हम सुपर थर्टी मूवी का फैक्ट एंड रिव्यू बताएंगे तो सबसे पहले हम सुपर थर्टी मूवी का स्टोरी बताते हैं फिल्म फुग्गा के साथ शुरू होती है जो एक सफल व्यक्ति है जो लंदन में अपनी बात रखता है फुग्गा अपने शिक्षक आनंद कुमार से सीखने के अपने अनुभव को याद करते हैं कॉलेज में एक छोटे आनंद को दिखाने के लिए ड्रेस समय पर वापस जाते हैं आनंद एक निमन वर्ग का छात्र है जिसे पढ़ाई का शौक है और वह इसमें अच्छा है एक स्थानीय प्रतियोगिता सत्कार में स्थानीय मंत्री श्री राम सिंह उस पर गर्व करते हैं जब भी जरूरत होती है मदद करने का वादा करते हैं आनंद अक्सर विदेशी गणित पत्रिका में समस्याओं को हल करके गणित सीखने के लिए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के पुस्तकालय जाते हैं एक दिन पुस्तकालय पर्यच पर्यवेक्षक अंत में उसे पकड़ लेता है और कहता है कि उसे वहाँ पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है एक स्टाफ सदस्य ने सुझाव दिया कि वह इस पत्रिका में अपना लेख प्रकाशित करवाएं और इसके लिए जीवन भर मुफ्त सदस्यता प्राप्त करें। आनंद डाक घर जाता है जहां उसके पिता राजेंद्र प्रधान के रूप में काम करते हैं और गणित की एक कठिन समस्या के समाधान के संबंध में एक पत्र पोस्ट करते हैं जिसे अभी तक कोई हल नहीं कर पाया है फिर वह समस्या को हल करने के लिए पत्रिका में छप जाता है और कैम कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रिचर्ड से वहाँ एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए एक पत्र प्राप्त करता है आनंद का परिवार उनका पूरा समर्थन करता है लेकिन परिवार के पास इतना पैसा नहीं है कि वे इंग, इंग्लैंड जा सके आनंद और राजेंद्र मंत्री श्री राम सिंह के पास मदद के लिए जाते हैं लेकिन वह ऐसे किसी भी वादे से इनकार करते हैं आनंद सबूत के तौर पर अपना मेडल देखने दिखाने की कोशिश करते हैं और श्री राम के सम्मान की याद दिलाते हैं लेकिन फिर भी पैसे नहीं मिलते हैं वे दोनों पैसे इकट्ठा करने के की कोशिश करते हैं लेकिन असहाय रहते हैं उसी रात राजेंद्र को दिल का दौरा पड़ा और उनका निधन हो गया जबकि उनके बेटे उन्हें अस्पताल ले गए आनंद अपन आनंद ने अपने पिता की मृत्यु और उनकी आर्थिक स्थिति के कारण कैम्ब्रिज जाने से इनकार कर दिया फिर वह परिवार की आमदनी बढ़ाने के लिए शहर में पापर बेचता है एक दिन वह लल्लन सिंह से मिलता है जो श्री राम सिंह का एक एक है एक क्रोनी नौकर है जो एक हाई प्रोफाइल कोचिंग सेंटर चलाता है लल्लन आनंद की, को एक्सीलेंस कोचिंग सेंटर में शिक्षक के रूप में ले जाता है इससे आनंद को आर्थिक रूप से मदद मिलती है और उनके शिक्षक के लिए उनकी प्रशंसा भी होती है एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन आनंद एक लड़के की दुर्दशा देखता है जिसे गरीबी के कारण छोड़ना पड़ा राजेंद्र के शब्दों को याद करते हुए उन्हें पता चलता है कि इन गरीब बच्चों को भी पढ़ने का अधिकार है आखिरकार वह कोचिंग सेंटर छोड़ देता है और गरीब बच्चों के लिए अलग से ट्यूशन शुरू करता है जिसमें वह एक बार में तीस बच्चों को का नामांकन करता है दुर्भाग्य से यह उसे आर्थिक रूप से चोट पहुंचाता है और उसे अपनी प्रेम रुचि सुप्रिया के समर्थन की भी कीमत चुकानी पड़ती है लेकिन फिर भी वह एक आसान और मज़ेदार तरीके से अवधारणाओं को स्पष्ट करके बच्चों को एक उत्साही और व्यवहारिक तरीके से पढ़ाने का फैसला करता है यह सब लल्लन को गुस्सा दिलाता है जिसका केंद्र आनंद को नहीं बनाए रखने के लिए आलोचना का सामना कर रहा है लल्लन आनंद को वापस लाने के प्रयास में आनंद के केंद्र को मुफ्त जियो जियामी मिट्टी बॉक्स देने की कोशिश करता है लेकिन सफल नहीं होता होता है वह आनंद को एक द्वंद युद्ध की चुनौती देता है जिसमें लल्लन के छात्र और आनंद के छात्र एक ही परीक्षा देते हैं और सबसे कम औसत स्कोर वाले कोचिंग सेंटर को बंद कर दिया जाएगा परीक्षा होती है परीक्षा के परिणामों की घोषणा करने वाले एक समूह एक समारोह में आनंद के छात्र यह जानकर टूट जाते हैं कि वे हार गए कागजात पेश करने के लिए जिस पर आनंद ने प्रतियोगिता से पहले हस्ताक्षर किए थे लल्लन ने उस सुप्रिया और उनके पति पुरुषोत्तम को एक आई अधिकारी के रूप में आमंत्रित किया जो आनंद को झटका देता है हालांकि कागजात नहीं मिले हैं जो आनंद को कागजात पर हस्ताक्षर करने के ऐसे दावों से इनकार करने के लिए प्रेरित करता है बाद में पता चलता है कि सुप्रिया ने कागजात छिपाए हैं जिसका अर्थ है कि वह गरीब बच्चों को पढ़ाने के आनंद के फैसले को समझ गई ट्यूशन के दौरान आनंद को अपने भाई प्रणव और उसकी माँ जन से बहुत मदद मिलती है लल्लन और श्री राम ने आनंद और छात्रों को मारने की साजिश रची ताकि उसके बच्चे भारतीय प्रौत्योगिकी संस्थान आईआईटी जी की परीक्षा ना दे ललन को के दो गुंडे आनंद को बुरी तरह से चोट पहुंचाते हैं और मौत के कगार पर अस्पताल में भर्ती है वह अपने छात्रों को श्री राम द्वारा भेजे गए गुंडों को हराने के लिए अपने ज्ञान का उपयोग करने के लिए कहता है जबकि उनका इलाज किया जा रहा है छात्र एकता में विभिन्न अवधारणाओं और विषयों के अपने ज्ञान का उपयोग करते हैं और गुंडों को हराते हैं आनंद का सफलतापूर्वक इलाज किया जाता है और वह स्वस्थ हो जाता है कुछ महीने बाद आईआईटी की परीक्षा देते हैं और उनमें से सभी तीस इसे सफलतापूर्वक पास कर लेते हैं तो स्टोरी यहीं समाप्त होती है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का स्टार कास्ट बताते हैं ऋतिक रोशन आनंद कुमार का रोल में नजर आए मुरुनल ठाकुर सुप्रिया कुमार सिंह का रोल में नजर आई वीरेंद्र सक्सेना राजेंद्र कुमार का रोल में नजर आए नंदी नन संधू प्रणव कुमार का रोल में नजर आए आदित्य श्रीवास्तव लल्लन सिंह का रोल में नजर आए साधना सिंह जयंती कुमार का रोल में नजर आए पंकज त्रिपाठी श्री राम सिंह का रोल में नजर आए विजय वर्मा फुग्गू कुमार का रोल मैनेज रहा है फुग्गा कुमार का रोल मैनेजर है अमित सा रघुनाथ भारत का रोल में रहा है अनुद सिंह ढक ढक्का रघुनाथ से एड का रोल मैनेज रहा है शरद सोनू हदीम मलिक का रोल मैनेज रहा है मानव गोयल आई एस पुरुषोत्तम सिंह का रोल मैनेजर है आयुष कुमार शुक्ला विनोद का रोल मैनेज रहा है राहुल राज किशोर करवल में नजर आए तो ये थे इस मूवी के स्टार का चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बताते हैं इस मूवी को डायरेक्ट किया है विकास बहल ने और इस मूवी को प्रोड्यूस किया है फैंटम फिल्म्स और नारिय वाला ग्रैंड इंटरटेनमेंट ने और रिलायंस इंटरटेनमेंट में और साथ में आपको बता दें कि इस मूवी को लिखा है यानी कि रिटर्न बाय संजीव दत्ता ने और इस मूवी ये मूवी बेस्ड है आनंद कुमार में और इस मूवी का सिनेमाटोग्राफी अन गोस्वामी ने दिया है और इस मूवी को एडिट किया यानी कि एडिटेड बाय ए श्रीकर प्रसाद ने और इस मूवी को म्यूजिक दिया है यानी म्यूजिक बाय अजय अतुल ने और इस मूवी का रिलीज डेट ट्वेल्व जुलाई टू थाउजेंड है और इस मूवी का रनिंग टाइम वन हंड्रेड फिफ्टी फाइव मिनट्स है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का बजट और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताते हैं इस मूवी का बजट सिक्सटी करोड़ है और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस से टू हंड्रेड नाइन करोड़ की कमाई की है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का रिव्यू देते हैं इस मूवी का रेटिंग की बात करें तो फाइव स्टार में से फोर पॉइंट एट स्टार मिले हैं ये पब्लिक रेटिंग है यानी कि पब्लिक रिव्यू है और ये काफी अच्छा रेटिंग है फाइव स्टार में से फोर पॉइंट एट स्टार और जैसा कि मैंने बताया कि इस मूवी का बजट सिक्सटी करोड़ है और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस से टू हंड्रेड नाइन करोड़ की कमाई की है तो ये मूवी हिट साबित हुई और क्योंकि ये मूवी हिट साबित हुई क्योंकि ये मूवी एक रियल स्टोरी पे बेस्ड है यानी कि आनंद कुमार के स्टोरी पे बेस्ड है और इस मूवी का स्टोरी भी बहुत अच्छा है यानी कि ये मूवी का स्टोरी सभी लोग बहुत पसंद कर रहे हैं बहुत लोग इस मूवी का स्टोरी बहुत पसंद कर रहे हैं और इस मूवी का स्टोरी अच्छा है तो आप इस मूवी को ज़रूर देखें हेलो दोस्तों तो आज हम सुपर थर्टी मूवी का फैक्ट एंड रिव्यू बताएंगे तो सबसे पहले हम सुपर थर्टी मूवी का स्टोरी बताते हैं फिल्म फुग्गा के साथ शुरू होती है जो एक सफल व्यक्ति है जो लंदन में अपनी बात रखता है फुग्गा अपने शिक्षक आनंद कुमार से सीखने के अपने अनुभव को याद करते हैं कॉलेज में एक छोटे आनंद को दिखाने के लिए ड्रेस समय पर वापस जाते हैं आनंद एक निमन वर्ग का छात्र है जिसे पढ़ाई का शौक है और वह इसमें अच्छा है एक स्थानीय प्रतियोगिता सत्कार में स्थानीय मंत्री श्री राम सिंह उस पर गर्व करते हैं जब भी जरूरत होती है मदद करने का वादा करते हैं आनंद अक्सर विदेशी गणित पत्रिका में समस्याओं को हल करके गणित सीखने के लिए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के पुस्तकालय जाते हैं एक दिन पुस्तकालय पर्यच पर्यवेक्षक अंत में उसे पकड़ लेता है और कहता है कि उसे वहां पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है एक स्टाफ सदस्य ने सुझाव दिया कि वह इस पत्रिका में अपना लेख प्रकाशित करवाएं और इसके लिए जीवन भर मुफ्त सदस्यता प्राप्त करें। आनंद डाक घर जाता है जहाँ उसके पिता राजेंद्र प्रधान के रूप में काम करते हैं और गणित की एक कठिन समस्या के समाधान के संबंध में एक पत्र पोस्ट करते हैं जिसे अभी तक कोई हल नहीं कर पाया है फिर वह समस्या को हल करने के लिए पत्रिका में छप जाता है और कैम कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रिचर्ड से वहाँ एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए एक पत्र प्राप्त करता है आनंद का परिवार उनका पूरा समर्थन करता है लेकिन परिवार के पास इतना पैसा नहीं है कि वे इंग, इंग्लैंड जा सके आनंद और राजेंद्र मंत्री श्री राम सिंह के पास मदद के लिए जाते हैं लेकिन वह ऐसे किसी भी वादे से इनकार करते हैं आनंद सबूत के तौर पर अपना मेडल देखने दिखाने की कोशिश करते हैं और श्री राम के सम्मान की याद दिलाते हैं लेकिन फिर भी पैसे नहीं मिलते हैं वे दोनों पैसे इकट्ठा करने के की कोशिश करते हैं लेकिन असहाय रहते हैं उसी रात राजेंद्र को दिल का दौरा पड़ा और उनका निधन हो गया जबकि उनके बेटे उन्हें अस्पताल ले गए आनंद अपन आनंद ने अपने पिता की मृत्यु और उनकी आर्थिक स्थिति के कारण कैम्ब्रिज जाने से इनकार कर दिया फिर वह परिवार की आमदनी बढ़ाने के लिए शहर में पापर बेचता है एक दिन वह लल्लन सिंह से मिलता है जो श्री राम सिंह का एक एक है एक क्रोनी नौकर है जो एक हाई प्रोफाइल कोचिंग सेंटर चलाता है लल्लन आनंद की, को एक्सीलेंस कोचिंग सेंटर में शिक्षक के रूप में ले जाता है इससे आनंद को आर्थिक रूप से मदद मिलती है और उनके शिक्षक के लिए उनकी प्रशंसा भी होती है एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन आनंद एक लड़के की दुर्दशा देखता है जिसे गरीबी के कारण छोड़ना पड़ा राजेंद्र के शब्दों को याद करते हुए उन्हें पता चलता है कि इन गरीब बच्चों को भी पढ़ने का अधिकार है आखिरकार वह कोचिंग सेंटर छोड़ देता है और गरीब बच्चों के लिए अलग से ट्यूशन शुरू करता है जिसमें वह एक बार में तीस बच्चों को का नामांकन करता है दुर्भाग्य से यह उसे आर्थिक रूप से चोट पहुंचाता है और उसे अपनी प्रेम रुचि सुप्रिया के समर्थन की भी कीमत चुकानी पड़ती है लेकिन फिर भी वह एक आसान और मज़ेदार तरीके से अवधारणाओं को स्पष्ट करके बच्चों को एक उत्साही और व्यवहारिक तरीके से पढ़ाने का फैसला करता है यह सब लल्लन को गुस्सा दिलाता है जिसका केंद्र आनंद को नहीं बनाए रखने के लिए आलोचना का सामना कर रहा है लल्लन आनंद को वापस लाने के प्रयास में आनंद के केंद्र को मुफ्त जियो जियामी मिट्टी बॉक्स देने की कोशिश करता है लेकिन सफल नहीं होता होता है वह आनंद को एक द्वंद युद्ध की चुनौती देता है जिसमें लल्लन के छात्र और आनंद के छात्र एक ही परीक्षा देते हैं और सबसे कम औसत स्कोर वाले कोचिंग सेंटर को बंद कर दिया जाएगा परीक्षा होती है परीक्षा के परिणामों की घोषणा करने वाले एक समूह एक समारोह में आनंद के छात्र यह जानकर टूट जाते हैं कि वे हार गए कागजात पेश करने के लिए जिस पर आनंद ने प्रतियोगिता से पहले हस्ताक्षर किए थे लल्लन ने उस सुप्रिया और उनके पति पुरुषोत्तम को एक आई अधिकारी के रूप में आमंत्रित किया जो आनंद को झटका देता है हालांकि कागजात नहीं मिले हैं जो आनंद को कागजात पर हस्ताक्षर करने के ऐसे दावों से इनकार करने के लिए प्रेरित करता है बाद में पता चलता है कि सुप्रिया ने कागजात छिपाए हैं जिसका अर्थ है कि वह गरीब बच्चों को पढ़ाने के आनंद के फैसले को समझ गई ट्यूशन के दौरान आनंद को अपने भाई प्रणव और उसकी माँ जन से बहुत मदद मिलती है लल्लन और श्री राम ने आनंद और छात्रों को मारने की साजिश रची ताकि उसके बच्चे भारतीय प्रौत्योगिकी संस्थान आईआईटी जी की परीक्षा ना दे ललन को के दो गुंडे आनंद को बुरी तरह से चोट पहुंचाते हैं और मौत के कगार पर अस्पताल में भर्ती है वह अपने छात्रों को श्री राम द्वारा भेजे गए गुंडों को हराने के लिए अपने ज्ञान का उपयोग करने के लिए कहता है जबकि उनका इलाज किया जा रहा है छात्र एकता में विभिन्न अवधारणाओं और विषयों के अपने ज्ञान का उपयोग करते हैं और गुंडों को हराते हैं आनंद का सफलतापूर्वक इलाज किया जाता है और वह स्वस्थ हो जाता है कुछ महीने बाद आईआईटी की परीक्षा देते हैं और उनमें से सभी तीस इसे सफलतापूर्वक पास कर लेते हैं तो स्टोरी यही समाप्त होती है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का स्टार कास्ट बताते हैं ऋतिक रोशन आनंद कुमार का रोल में नजर आया है ठाकुर सुप्रिया कुमार सिंह का रोल में नजर आई वीरेंद्र सक्सेना राजेंद्र कुमार का रोल में नजर आए नंदी नन संधू प्रणव कुमार का रोल में नजर आए हैं आदित्य श्रीवास्तव लल्लन सिंह का रोल नजर रहा है साधना सिंह जयंती कुमार का रोल में नजर आएं पंकज त्रिपाठी श्री राम सिंह का रोल में नजर आएं विजय वर्मा फुग्गू कुमार का रोल में नजर आएं फुग्गा कुमार का रोल में नजर आएं अमित रघुनाथ भारत का रोल में नजर आएं अनुद सिंह ढक्का रघुनाथ से एड का रोल मैनेज रहा है शरद सोनू हदीम मलिक का रोल मैनेज रहा है मानव गोयल आई एस पुरुषोत्तम सिंह का रोल में मैनेजर है आयुष कुमार शुक्ला विनोद का रोल में मैनेजर है राहुल राज किशोर का रोल मैनेज रहा है तो ये थे इस मूवी के स्टार का चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बताते हैं इस मूवी को डायरेक्ट किया है विकास बहल ने और इस मूवी को प्रोड्यूस किया है फैंटम फिल्म्स और नारियो वाला ग्रैंड इंटरटेनमेंट ने और रिलायंस इंटरटेनमेंट में और साथ में आपको बता दें कि इस मूवी को लिखा यानी कि रिटर्न बाय संजीव दत्ता ने और इस मूवी ये मूवी बेस्ड है आनंद कुमार में और इस मूवी का सिनेमाटोग्राफी अनय गोस्वामी ने दिया है और इस मूवी को एडिट किया यानी कि एडिटेड बाय ए श्रीकर प्रसाद ने और इस मूवी को म्यूजिक दिया है यानी म्यूजिक बाय अजय अतुल ने और इस मूवी का रिलीज डेट ट्वेल्व जुलाई टू थाउजेंड नाइन्टीन है और इस मूवी का रनिंग टाइम वन हंड्रेड फिफ्टी फाइव मिनट है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का बजट और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताते हैं इस मूवी का बजट करोड़ है और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस से टू हंड्रेड नाइन करोड़ की कमाई की है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का रिव्यू देते हैं इस मूवी का रेटिंग की बात करें तो फाइव स्टार में से फोर पॉइंट एट स्टार मिले हैं ये पब्लिक रेटिंग है यानी कि पब्लिक रिव्यू है और ये काफी अच्छा रेटिंग है फाइव स्टार में से फोर पॉइंट एट स्टार और जैसा कि मैंने बताया कि इस मूवी का बजट सिक्सटी करोड़ है और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस से टू हंड्रेड नाइन करोड़ की कमाई की है तो ये मूवी हिट साबित हुई और क्योंकि ये मूवी हिट साबित हुई क्योंकि ये मूवी एक रियल स्टोरी पे बेस्ड है यानी कि आनंद कुमार के स्टोरी पे बेस्ड है और इस मूवी का स्टोरी भी बहुत अच्छा है यानी कि ये मूवी का स्टोरी सभी लोग बहुत पसंद कर रहे हैं बहुत लोग इस मूवी का स्टोरी बहुत पसंद कर रहे हैं और इस मूवी का स्टोरी अच्छा है तो आप इस मूवी को ज़रूर देखें हेलो दोस्तों तो आज हम सुपर थर्टी मूवी का फैक्ट एंड रिव्यू बताएंगे तो सबसे पहले हम सुपर थर्टी मूवी का स्टोरी बताते हैं फिल्म फुग्गा के साथ शुरू होती है जो एक सफल व्यक्ति है जो लंदन में अपनी बात रखता है फुग्गा अपने शिक्षक आनंद कुमार से सीखने के अपने अनुभव को याद करते हैं कॉलेज में एक छोटे आनंद को दिखाने के लिए ड्रेस समय पर वापस जाते हैं आनंद एक निमन वर्ग का छात्र है जिसे पढ़ाई का शौक है और वह इसमें अच्छा है एक स्थानीय प्रतियोगिता सत्कार में स्थानीय मंत्री श्री राम सिंह उस पर गर्व करते हैं जब भी जरूरत होती है मदद करने का वादा करते हैं आनंद अक्सर विदेशी गणित पत्रिका में समस्याओं को हल करके गणित सीखने के लिए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के पुस्तकालय जाते हैं एक दिन पुस्तकालय पर्यच पर्यवेक्षक अंत में उसे पकड़ लेता है और कहता है कि उसे वहाँ पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है एक स्टाफ सदस्य ने सुझाव दिया कि वह इस पत्रिका में अपना लेख प्रकाशित करवाएं और इसके लिए जीवन भर मुफ्त सदस्यता प्राप्त करें। आनंद डाक घर जाता है जहां उसके पिता राजेंद्र प्रधान के रूप में काम करते हैं और गणित की एक कठिन समस्या के समाधान के संबंध में एक पत्र पोस्ट करते हैं जिसे अभी तक कोई हल नहीं कर पाया है फिर वह समस्या को हल करने के लिए पत्रिका में छप जाता है और कैम कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रिचर्ड से वहाँ एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए एक पत्र प्राप्त करता है आनंद का परिवार उनका पूरा समर्थन करता है लेकिन परिवार के पास इतना पैसा नहीं है कि वे इंग इंग्लैंड जा सके आनंद और राजेंद्र मंत्री श्री राम सिंह के पास मदद के लिए जाते हैं लेकिन वह ऐसे किसी भी वादे से इनकार करते हैं आनंद सबूत के तौर पर अपना मेडल देखने दिखाने की कोशिश करते हैं और श्री राम के सम्मान की याद दिलाते हैं लेकिन फिर भी पैसे नहीं मिलते हैं वे दोनों पैसे इकट्ठा करने के, की कोशिश करते हैं लेकिन असहाय रहते हैं उसी रात राजेंद्र को दिल का दौरा पड़ा और उनका निधन हो गया जबकि उनके बेटे उन्हें अस्पताल ले गए आनंद अपन आनंद ने अपने पिता की मृत्यु और उनकी आर्थिक स्थिति के कारण कैम्ब्रिज जाने से इनकार कर दिया फिर वह परिवार की आमदनी बढ़ाने के लिए शहर में पापर बेचता है एक दिन वह लल्लन सिंह से मिलता है जो श्री राम सिंह का एक एक है एक क्रोनी नौकर है जो एक हाई प्रोफाइल कोचिंग सेंटर चलाता है लल्लन आनंद की, को एक्सीलेंस कोचिंग सेंटर में शिक्षक के रूप में ले जाता है इससे आनंद को आर्थिक रूप से मदद मिलती है और उनके शिक्षक के लिए उनकी प्रशंसा भी होती है एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन आनंद एक लड़के की दुर्दशा देखता है जिसे गरीबी के कारण छोड़ना पड़ा राजेंद्र के शब्दों को याद करते हुए उन्हें पता चलता है कि इन गरीब बच्चों को भी पढ़ने का अधिकार है आखिरकार वह कोचिंग सेंटर छोड़ देता है और गरीब बच्चों के लिए अलग से ट्यूशन शुरू करता है जिसमें वह एक बार में तीस बच्चों को का नामांकन करता है दुर्भाग्य से यह उसे आर्थिक रूप से चोट पहुंचाता है और उसे अपनी प्रेम रुचि सुप्रिया के समर्थन की भी कीमत चुकानी पड़ती है लेकिन फिर भी वह एक आसान और मज़ेदार तरीके से अवधारणाओं को स्पष्ट करके बच्चों को एक उत्साही और व्यवहारिक तरीके से पढ़ाने का फैसला करता है यह सब लल्लन को गुस्सा दिलाता है जिसका केंद्र आनंद को नहीं बनाए रखने के लिए आलोचना का सामना कर रहा है लल्लन आनंद को वापस लाने के प्रयास में आनंद के केंद्र को मुफ्त जियो जियामिटी बॉक्स देने की कोशिश करता है लेकिन सफल नहीं होता होता है वह आनंद को एक द्वंद युद्ध की चुनौती देता है जिसमें लल्लन के छात्र और आनंद के छात्र एक ही परीक्षा देते हैं और सबसे कम औसत स्कोर वाले कोचिंग सेंटर को बंद कर दिया जाएगा परीक्षा होती है परीक्षा के परिणामों की घोषणा करने वाले एक समूह एक समारोह में आनंद के छात्र यह जानकर टूट जाते हैं कि वे हार गए कागजात पेश करने के लिए जिस पर आनंद ने प्रतियोगिता से पहले हस्ताक्षर किए थे लल्लन ने उस सुप्रिया और उनके पति पुरुषोत्तम को एक आई अधिकारी के रूप में आमंत्रित किया जो आनंद को झटका देता है हालांकि कागजात नहीं मिले हैं जो आनंद को कागजात पर हस्ताक्षर करने के ऐसे दावों से इनकार करने के लिए प्रेरित करता है बाद में पता चलता है कि सुप्रिया ने कागजात छिपाए हैं जिसका अर्थ है कि वह गरीब बच्चों को पढ़ाने के आनंद के फैसले को समझ गई ट्यूशन के दौरान आनंद को अपने भाई प्रणव और उसकी माँ जन जेंटी से बहुत मदद मिलती है लल्लन और श्री राम ने आनंद और छात्रों को मारने की साजिश रची ताकि उसके बच्चे भारतीय प्रौत्योगिकी संस्थान आईआईटी जी की परीक्षा ना दे ललन को के दो गुंडे आनंद को बुरी तरह से चोट पहुंचाते हैं और मौत के कगार पर अस्पताल में भर्ती है वह अपने छात्रों को श्री राम द्वारा भेजे गए गुंडों को हराने के लिए अपने ज्ञान का उपयोग करने के लिए कहता है जबकि उनका इलाज किया जा रहा है छात्र एकता में विभिन्न अवधारणाओं और विषयों के अपने ज्ञान का उपयोग करते हैं और गुंडों को हराते हैं आनंद का सफलतापूर्वक इलाज किया जाता है और वह स्वस्थ हो जाता है कुछ महीने बाद आईआईटी की परीक्षा देते हैं और उनमें से सभी तीस इसे सफलतापूर्वक पास कर लेते हैं तो स्टोरी यहीं समाप्त होती है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का स्टार कास्ट बताते हैं ऋतिक रोशन आनंद कुमार का रोल में नजर आए मुरनल ठाकुर सुप्रिया कुमार सिंह का रोल में नजर आई वीरेंद्र सक्सेना राजेंद्र कुमार का रोल में नजर आए नंदी नन संधू प्रणव कुमार का रोल में नजर आए आदित्य श्रीवास्तव लल्लन सिंह का रोल में नजर आए साधना सिंह जयंती कुमार का रोल में नजर आए पंकज त्रिपाठी श्री राम सिंह का रोल में नजर आए, विजय वर्मा फुग्गू कुमार का रोल में नजर आए, फुग्गा कुमार का रोल में नजर आए, अमित सा रघुनाथ भारत का रोल में नजर आए, अनुज सिंह ढक्का रघुनाथ से एड का रोल में नजर आए, शरद सोनू हदीम मलिक का रोल में नजर आए, मानव गोयल आई पुरुषोत्तम सिंह का रोल में नजर आए आयुष कुमार शुक्ला विनोद का रोल में नजर आया राहुल राज किशोर का रोल में नजर आया तो ये थे इस मूवी के का स्टारकास्ट चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बताते हैं इस मूवी को डायरेक्ट किया है विकास बहल ने और इस मूवी को प्रोड्यूस किया है फैंटम फिल्म्स और नारिय वाला ग्रैंड इंटरटेनमेंट ने और रिलायंस इंटरटेनमेंट में और साथ में आपको बता दें कि इस मूवी को लिखा है यानी कि रिटर्न बाई संजीव दत्ता ने और इस मू ये मूवी बेस्ड है आनंद कुमार में और इस मूवी का सिनेमाटोग्राफी अन, अनाई गोस्वामी ने दिया है और इस मूवी को एडिट किया यानी कि एडिटेड बाय ए श्रीकर प्रसाद ने और इस मूवी को म्यूजिक दिया है यानी म्यूजिक बाय अजय अतुल ने और इस मूवी का रिलीज डेट ट्वेल्व जुलाई टू है और इस मूवी का रनिंग टाइम वन मिनट्स है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का बजट और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताते हैं इस मूवी का बजट सिक्सटी करोड़ है और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस से टू हंड्रेड नाइन करोड़ की कमाई की है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का रिव्यू देते हैं इस मूवी का रेटिंग की बात करें तो फाइव स्टार में से फोर पॉइंट एट स्टार मिले हैं ये पब्लिक रेटिंग है यानी कि पब्लिक रिव्यू है और ये काफी अच्छा रेटिंग है फाइव स्टार में से फोर पॉइंट एट स्टार और जैसा कि मैंने बताया कि इस मूवी का बजट सिक्सटी करोड़ है और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस से टू हंड्रेड नाइन करोड़ की कमाई की है तो ये मूवी हिट साबित हुई और क्योंकि ये मूवी हिट साबित हुई क्योंकि ये मूवी एक रियल स्टोरी पे बेस्ड है यानी कि आनंद कुमार के स्टोरी पे बेस्ड है और इस मूवी का स्टोरी भी बहुत अच्छा है यानी कि ये मूवी का स्टोरी सभी लोग बहुत पसंद कर रहे हैं बहुत लोग इस मूवी का स्टोरी बहुत पसंद कर रहे हैं और इस मूवी का स्टोरी अच्छा है तो आप इस मूवी को जरूर देखें हेलो दोस्तों तो आज हम सुपर थर्टी मूवी का फैक्ट एंड रिव्यू बताएंगे तो सबसे पहले हम सुपर थर्टी मूवी का स्टोरी बताते हैं फिल्म फुग्गा के साथ शुरू होती है जो एक सफल व्यक्ति है जो लंदन में अपनी बात रखता है फुग्गा अपने शिक्षक आनंद कुमार से सीखने के अपने अनुभव को याद करते हैं कॉलेज में एक छोटे आनंद को दिखाने के लिए ड्रेस समय पर वापस जाते हैं आनंद एक निमन वर्ग का छात्र है जिसे पढ़ाई का शौक है और वह इसमें अच्छा है एक स्थानीय प्रतियोगिता सत्कार में स्थानीय मंत्री श्री राम सिंह उस पर गर्व करते हैं जब भी जरूरत होती है मदद करने का वादा करते हैं आनंद अक्सर विदेशी गणित पत्रिका में समस्याओं को हल करके गणित सीखने के लिए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के पुस्तकालय जाते हैं एक दिन पुस्तकालय पर्यच परियाच्छ, पर्यवेक्षक अंत में उसे पकड़ लेता है और कहता है कि उसे वहाँ पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है एक स्टाफ सदस्य ने सुझाव दिया कि वह इस पत्रिका में अपना लेख प्रकाशित करवाएं और इसके लिए जीवन भर मुफ्त सदस्यता प्राप्त करें। आनंद डाक घर जाता है जहां उसके पिता राजेंद्र प्रधान के रूप में काम करते हैं और गणित की एक कठिन समस्या के समाधान के संबंध में एक पत्र पोस्ट करते हैं जिसे अभी तक कोई हल नहीं कर पाया है फिर वह समस्या को हल करने के लिए पत्रिका में छप जाता है और कैम कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रिचर्ड से वहाँ एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए एक पत्र प्राप्त करता है आनंद का परिवार उनका पूरा समर्थन करता है लेकिन परिवार के पास इतना पैसा नहीं है कि वे इंग, इंग्लैंड जा सके आनंद और राजेंद्र मंत्री श्री राम सिंह के पास मदद के लिए जाते हैं लेकिन वह ऐसे किसी भी वादे से इनकार करते हैं आनंद सबूत के तौर पर अपना मेडल देखने दिखाने की कोशिश करते हैं और श्री राम के सम्मान की याद दिलाते हैं लेकिन फिर भी पैसे नहीं मिलते हैं वे दोनों पैसे इकट्ठा करने के, की कोशिश करते हैं लेकिन असहाय रहते हैं उसी रात राजेंद्र को डील का दौरा पड़ा और उनका निधन हो गया जबकि उनके बेटे उन्हें अस्पताल ले गए आनंद अपन आनंद ने अपने पिता की मृत्यु और उनकी आर्थिक स्थिति के कारण कैम्ब्रिज जाने से इनकार कर दिया फिर वह परिवार की आमदनी बढ़ाने के लिए शहर में पापर बेचता है एक दिन वह लल्लन सिंह से मिलता है जो श्री राम सिंह का एक एक है एक क्रोनी नौकर है जो एक हाई प्रोफाइल को, कोचिंग सेंटर चलाता है लल्लन आनंद को एक्सीलेंस को, कोचिंग सेंटर में शिक्षक के रूप में ले जाता है इससे आनंद को आर्थिक रूप से मदद मिलती है और उनके शिक्षक के लिए उनकी प्रशंसा भी होती है एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन आनंद एक लड़के की दुर्दशा देखता है जिसे गरीबी के कारण छोड़ना पड़ा राजेंद्र के शब्दों को याद करते हुए उन्हें पता चलता है कि इन गरीब बच्चों को भी पढ़ने का अधिकार है आखिरकार वह कोचिंग सेंटर छोड़ देता है और गरीब बच्चों के लिए अलग से ट्यूशन शुरू करता है जिसमें वह एक बार में तीस बच्चों को का नामांकन करता है दुर्भाग्य से यह उसे आर्थिक रूप से चोट पहुंचाता है और उसे अपनी प्रेम रुचि सुप्रिया के समर्थन की भी कीमत चुकानी पड़ती है लेकिन फिर भी वह एक आसान और मज़ेदार तरीके से अवधारणाओं को स्पष्ट करके बच्चों को एक उत्साही और व्यवहारिक तरीके से पढ़ाने का फैसला करता है यह सब लल्लन को गुस्सा दिलाता है जिसका केंद्र आनंद को नहीं बनाए रखने के लिए आलोचना का सामना कर रहा है लल्लन आनंद को वापस लाने के प्रयास में आनंद के केंद्र को मुफ्त जियो जियामी मिटी बॉक्स देने की कोशिश करता है लेकिन सफल नहीं होता होता है वह आनंद को एक युद्ध की चुनौती देता है जिसमें लल्लन के छात्र और आनंद के छात्र एक ही परीक्षा देते हैं और सबसे कम औसत स्कोर वाले कोचिंग सेंटर को बंद कर दिया जाएगा परीक्षा होती है परीक्षा के परिणामों की घोषणा करने वाले एक समूह एक समारोह में आनंद के छात्र यह जानकर टूट जाते हैं कि वे हार गए कागजात पेश करने के लिए जिस पर आनंद ने प्रतियोगिता से पहले हस्ताक्षर किए थे लल्लन ने सुप्रिया और उनके पति पुरुषोत्तम को एक आई अधिकारी के रूप में आमंत्रित किया जो आनंद को झटका देता है हालांकि कागजात नहीं मिले हैं जो आनंद को कागजात पर हस्ताक्षर करने के ऐसे दावों से इनकार करने के लिए प्रेरित करता है बाद में पता चलता है कि सुप्रिया ने कागजात छिपाए जिसका अर्थ है कि वह गरीब बच्चों को पढ़ाने के आनंद के फैसले को समझ गई ट्यूशन के दौरान आनंद को अपने भाई प्रणव और उसकी माँ जो से बहुत मदद मिलती है लल्लन और श्री राम ने आनंद और छात्रों को मारने की साजिश रची ताकि उसके बच्चे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आई संस्थान आईआईटी जी की परीक्षा ना दे ले ललन को के दो गुंडे आनंद को बुरी तरह से चोट पहुंचाते हैं और मौत के कगार पर अस्पताल में भर्ती है वह अपने छात्रों को श्री राम द्वारा भेजे गए गुंडों को हराने के लिए अपने ज्ञान का उपयोग करने के लिए कहता है जबकि उनका इलाज किया जा रहा है छात्र एकता में विभिन्न अवधारणाओं और विषयों के अपने ज्ञान का उपयोग करते हैं और गुंडों को हराते हैं आनंद का सफलतापूर्वक इलाज किया जाता है और वह स्वस्थ हो जाता है कुछ महीने बाद आईआईटी की परीक्षा देते हैं और उनमें से सभी तीस इसे सफलतापूर्वक पास कर लेते हैं तो स्टोरी यहीं समाप्त होती है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का स्टार कास्ट बताते हैं ऋतिक रोशन आनंद कुमार का रोल में नजर आए मुरुनल ठाकुर सुप्रिया कुमार सिंह का रोल में नजर आई वीरेंदर सक्सेना राजेंद्र कुमार का रोल में नजर आए नंदी नन, संधू प्रणव कुमार का रोल में नजर आए आदित्य श्रीवास्तव लल्लन सिंह का रोल में नजर आए साधना सिंह जयंती कुमार का रोल में नजर आए पंकज त्रिपाठी श्री राम सिंह का रोल में नजर जा विजय वर्मा फुग्गू कुमार का रोल मैनेज रहा है फुग्गा कुमार का रोल मैनेजर है अमित रघुनाथ भारत का रोल में नजर है अनुद सिंह ढक ढक्का रघुनाथ से एड का रोल मैनेज रहा है शरद सोनू हदीम मलिक का रोल मैनेज रहा है मानव गोयल आई एस पुरुषोत्तम सिंह का रोल मैनेजर है आयुष कुमार शुक्ला विनोद का रोल मैनेज है राहुल राज किशोर का रोल में नजर आए तो ये थे इस मूवी के स्टार का चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बताते हैं इस मूवी को डायरेक्ट किया है विकास बहल ने और इस मूवी को प्रोड्यूस किया है फैंटम फिल्म्स और नारिया वाला ग्रैंड सन इंटरटेनमेंट ने और रिलायंस इंटरटेनमेंट में और साथ में आपको बता दें कि इस मूवी को लिखा है यानी कि रिटर्न बाय संजीव दत्ता ने और इस मूवी ये मूवी बेस्ड है आनंद कुमार में और इस मूवी का सिनेमाटोग्राफी अन गोस्वामी ने दिया है और इस मूवी को एडिट किया यानी कि एडिटेड बाय ए श्रीकर प्रसाद ने और इस मूवी को म्यूजिक दिया है यानी म्यूजिक बाय अजय अतुल ने और इस मूवी का रिलीज डेट ट्वेल्व जुलाई टू थाउजेंड है और इस मूवी का रनिंग टाइम वन हंड्रेड फिफ्टी फाइव मिनट्स है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का बजट और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताते हैं इस मूवी का बजट सिक्सटी करोड़ है और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस से टू हंड्रेड नाइन करोड़ की कमाई की है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का रिव्यू देते हैं इस मूवी का रेटिंग की बात करें तो फाइव स्टार में से फोर पॉइंट एट स्टार मिले हैं ये पब्लिक रेटिंग है यानी कि पब्लिक रिव्यू है और ये काफी अच्छा रेटिंग है फाइव स्टार में से फोर पॉइंट एट स्टार और जैसा कि मैंने बताया कि इस मूवी का बजट सिक्सटी करोड़ है और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस से टू करोड़ की कमाई की है तो ये मूवी हिट साबित हुई और क्योंकि ये मूवी हिट साबित हुई क्योंकि ये मूवी एक रियल स्टोरी पे बेस्ड है यानी कि आनंद कुमार के स्टोरी पे बेस्ड है और इस मूवी का स्टोरी भी बहुत अच्छा है यानी कि ये मूवी का स्टोरी सभी लोग बहुत पसंद कर रहे हैं बहुत लोग इस मूवी का स्टोरी बहुत पसंद कर रहे हैं और इस मूवी का स्टोरी अच्छा है तो आप इस मूवी को जरूर देखें हेलो दोस्तों तो आज हम सुपर थर्टी मूवी का फैक्ट एंड रिव्यू बताएंगे तो सबसे पहले हम सुपर थर्टी मूवी का स्टोरी बताते हैं फिल्म फुग्गा के साथ शुरू होती है जो एक सफल व्यक्ति है जो लंदन में अपनी बात रखता है फुग्गा अपने शिक्षक आनंद कुमार से सीखने के अपने अनुभव को याद करते हैं कॉलेज में एक छोटे आनंद को दिखाने के लिए ड्रेस समय पर वापस जाते हैं आनंद एक निमन वर्ग का छात्र है जिसे पढ़ाई का शौक है और वह इसमें अच्छा है एक स्थानीय प्रतियोगिता सत्कार में स्थानीय मंत्री श्री राम सिंह उस पर गर्व करते हैं जब भी जरूरत होती है मदद करने का वादा करते हैं आनंद अक्सर विदेशी गणित पत्रिका में समस्याओं को हल करके गणित सीखने के लिए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के पुस्तकालय जाते हैं एक दिन पुस्तकालय पर्यच परियाच्छ, पर्यवेक्षक अंत में उसे पकड़ लेता है और कहता है कि उसे वहाँ पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है एक स्टाफ सदस्य ने सुझाव दिया कि वह इस पत्रिका में अपना लेख प्रकाशित करवाएं और इसके लिए जीवन भर मुफ्त सदस्यता प्राप्त करें। आनंद डाक घर जाता है जहां उसके पिता राजेंद्र प्रधान के रूप में काम करते हैं और गणित की एक कठिन समस्या के समाधान के संबंध में एक पत्र पोस्ट करते हैं जिसे अभी तक कोई हल नहीं कर पाया है फिर वह समस्या को हल करने के लिए पत्रिका में छप जाता है और कैम कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रिचर्ड से वहाँ एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए एक पत्र प्राप्त करता है आनंद का परिवार उनका पूरा समर्थन करता है लेकिन परिवार के पास इतना पैसा नहीं है कि वे इंग, इंग्लैंड जा सके आनंद और राजेंद्र मंत्री श्री राम सिंह के पास मदद के लिए जाते हैं लेकिन वह ऐसे किसी भी वादे से इनकार करते हैं आनंद सबूत के तौर पर अपना मेडल देखने दिखाने की कोशिश करते हैं और श्री राम के सम्मान की याद दिलाते हैं लेकिन फिर भी पैसे नहीं मिलते हैं वे दोनों पैसे इकट्ठा करने के की कोशिश करते हैं लेकिन असहाय रहते हैं उसी रात राजेंद्र को डील का दौरा पड़ा और उनका निधन हो गया जबकि उनके बेटे उन्हें अस्पताल ले गए आनंद अपन आनंद ने अपने पिता की मृत्यु और उनकी आर्थिक स्थिति के कारण कैम्ब्रिज जाने से इनकार कर दिया फिर वह परिवार की आमदनी बढ़ाने के लिए शहर में पापर बेचता है एक दिन वह लल्लन सिंह से मिलता है जो श्री राम सिंह का एक एक है एक क्रोनी नौकर है जो एक हाई प्रोफाइल कोचिंग सेंटर चलाता है लल्लन आनंद को एक्सीलेंस कोचिंग सेंटर में शिक्षक के रूप में ले जाता है इससे आनंद को आर्थिक रूप से मदद मिलती है और उनके शिक्षक के लिए उनकी प्रशंसा भी होती है एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन आनंद एक लड़के की दुर्दशा देखता है जिसे गरीबी के कारण छोड़ना पड़ा राजेंद्र के शब्दों को याद करते हुए उन्हें पता चलता है कि इन गरीब बच्चों को भी पढ़ने का अधिकार है आखिरकार वह कोचिंग सेंटर छोड़ देता है और गरीब बच्चों के लिए अलग से ट्यूशन शुरू करता है जिसमें वह एक बार में तीस बच्चों को का नामांकन करता है दुर्भाग्य से यह उसे आर्थिक रूप से चोट पहुंचाता है और उसे अपनी प्रेम रुचि सुप्रिया के समर्थन की भी कीमत चुकानी पड़ती है लेकिन फिर भी वह एक आसान और मज़ेदार तरीके से अवधारणाओं को स्पष्ट करके बच्चों को एक उत्साही और व्यवहारिक तरीके से पढ़ाने का फैसला करता है यह सब लल्लन को गुस्सा दिलाता है जिसका केंद्र आनंद को नहीं बनाए रखने के लिए आलोचना का सामना कर रहा है लल्लन आनंद को वापस लाने के प्रयास में आनंद के केंद्र को मुफ्त जियो जियामी मिट्टी बॉक्स देने की कोशिश करता है लेकिन सफल नहीं होता होता है वह आनंद को एक युद्ध की चुनौती देता है जिसमें लल्लन के छात्र और आनंद के छात्र एक ही परीक्षा देते हैं और सबसे कम औसत स्कोर वाले कोचिंग सेंटर को बंद कर दिया जाएगा परीक्षा होती है परीक्षा के परिणामों की घोषणा करने वाले एक समूह एक समारोह में आनंद के छात्र यह जानकर टूट जाते हैं कि वे हार गए कागजात पेश करने के लिए जिस पर आनंद ने प्रतियोगिता से पहले हस्ताक्षर किए थे लल्लन ने सुप्रिया और उनके पति पुरुषोत्तम को एक आई अधिकारी के रूप में आमंत्रित किया जो आनंद को झटका देता है हालांकि कागजात नहीं मिले हैं जो आनंद को कागजात पर हस्ताक्षर करने के ऐसे दावों से इनकार करने के लिए प्रेरित करता है बाद में पता चलता है कि सुप्रिया ने कागजात छिपाए हैं जिसका अर्थ है कि वह गरीब बच्चों को पढ़ाने के आनंद के फैसले को समझ गई ट्यूशन के दौरान आनंद को अपने भाई प्रणव और उसकी माँ जो जेंटी से बहुत मदद मिलती है लल्लन और श्री राम ने आनंद और छात्रों को मारने की साजिश रची ताकि उसके बच्चे भारतीय प्रौत्योगिकी संस्थान आईआईटी जी की परीक्षा ना दे ले को के दो गुंडे आनंद को बुरी तरह से चोट पहुंचाते हैं और मौत के कगार पर अस्पताल में भर्ती है वह अपने छात्रों सी, को श्री राम द्वारा भेजे गए गुंडों को हराने के लिए अपने ज्ञान का उपयोग करने के लिए कहता है जबकि उनका इलाज किया जा रहा है छात्र एकता में विभिन्न अवधारणाओं और विषयों के अपने ज्ञान का उपयोग करते हैं और गुंडों को हराते हैं आनंद का सफलतापूर्वक इलाज किया जाता है और वह स्वस्थ हो जाता है कुछ महीने बाद आईआईटी की परीक्षा देते हैं और उनमें से सभी तीस इसे सफलतापूर्वक पास कर लेते हैं तो स्टोरी यही समाप्त होती है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का स्टार कास्ट बताते हैं ऋतिक रोशन आनंद कुमार का रोल में नजर आए मुरुनल ठाकुर सुप्रिया कुमार सिंह का रोल में नजर आई वीरेंदर सक्सेना राजेंद्र कुमार का रोल में नजर आए नंदी नन, संधू प्रणव कुमार का रोल में नजर आया आदित्य श्रीवास्तव लल्लन सिंह का रोल में नजर आए साधना सिंह जयंती कुमार का रोल में नजर आए पंकज त्रिपाठी श्री राम सिंह का रोल में नजर जा विजय वर्मा फुग्गू कुमार का रोल नजर रहा है फुग्गा कुमार का रोल मैनेजर है अमित साध रघुनाथ भा भारत का रोल नजर रहा है अनुज सिंह ढक ढक्का धक रघुनाथ से एड का रोल नजर रहा है शरद सोनू हदीम मलिक का रोल नजर रहा है मानव गोयल आई ए एस पुरुषोत्तम सिंह का रोल मैनेजर है आयुष कुमार शुक्ला विनोद का रोल नजर रहा है राहुल राज किशोर का रोल में नजर आए तो ये थे इस मूवी के स्टार का चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बताते हैं इस मूवी को डायरेक्ट किया है विकास बहल ने और इस मूवी को प्रोड्यूस किया है फैंटम फिल्म्स और नारिय वाला ग्रैंड इंटरटेनमेंट ने और रिलायंस इंटरटेनमेंट में और साथ में आपको बता दें कि इस मूवी को लिखा है यानी कि रिटर्न बाय संजीव दत्ता ने और इस मूवी ये मूवी बेस्ड है आनंद कुमार में और इस मूवी का सिनेमाटोग्राफी अन गोस्वामी ने दिया है और इस मूवी को एडिट किया यानी कि एडिटेड बाय ए श्रीकर प्रसाद ने और इस मूवी को म्यूजिक दिया है यानी म्यूजिक बाय अजय अतुल ने और इस मूवी का रिलीज डेट ट्वेल्व जुलाई टू थाउजेंड है और इस मूवी का रनिंग टाइम वन हंड्रेड फिफ्टी फाइव मिनट्स है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का बजट और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताते हैं इस मूवी का बजट सिक्सटी करोड़ है और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस से टू हंड्रेड नाइन करोड़ की कमाई की है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का रिव्यू देते हैं इस मूवी का रेटिंग की बात करें तो फाइव स्टार में से फोर पॉइंट एट स्टार मिले हैं ये पब्लिक रेटिंग है यानी कि पब्लिक रिव्यू है और ये काफी अच्छा रेटिंग है फाइव स्टार में से फोर पॉइंट एट स्टार और जैसा कि मैंने बताया कि इस मूवी का बजट सिक्सटी करोड़ है और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस से टू करोड़ की कमाई की है तो ये मूवी हिट साबित हुई और क्योंकि ये मूवी हिट साबित हुई क्योंकि ये मूवी एक रियल स्टोरी पे बेस्ड है यानी कि आनंद कुमार के स्टोरी पे बेस्ड है और इस मूवी का स्टोरी भी बहुत अच्छा है यानी कि ये मूवी का स्टोरी सभी लोग बहुत पसंद कर रहे हैं बहुत लोग इस मूवी का स्टोरी बहुत पसंद कर रहे हैं और इस मूवी का स्टोरी अच्छा है तो आप इस मूवी को जरूर देखें हेलो दोस्तों तो आज हम सुपर थर्टी मूवी का फैक्ट एंड रिव्यू बताएंगे तो सबसे पहले हम सुपर थर्टी मूवी का स्टोरी बताते हैं फिल्म फुग्गा के साथ शुरू होती है जो एक सफल व्यक्ति है जो लंदन में अपनी बात रखता है फुग्गा अपने शिक्षक आनंद कुमार से सीखने के अपने अनुभव को याद करते हैं कॉलेज में एक छोटे आनंद को दिखाने के लिए ड्रेस समय पर वापस जाते हैं आनंद एक निमन वर्ग का छात्र है जिसे पढ़ाई का शौक है और वह इसमें अच्छा है एक स्थानीय प्रतियोगिता सत्कार में स्थानीय मंत्री श्री राम सिंह उस पर गर्व करते हैं जब भी ज़रूरत होती है मदद करने का वादा करते हैं आनंद अक्सर विदेशी गणित पत्रिका में समस्याओं को हल करके गणित सीखने के लिए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के पुस्तकालय जाते हैं एक दिन पुस्तकालय पर्यच पर्यवेक्षक अंत में उसे पकड़ लेता है और कहता है कि उसे वहाँ पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है एक स्टाफ सदस्य ने सुझाव दिया कि वह इस पत्रिका में अपना लेख प्रकाशित करवाएं और इसके लिए जीवन भर मुफ्त सदस्यता प्राप्त करें। आनंद डाक घर जाता है जहां उसके पिता राजेंद्र प्रधान के रूप में काम करते हैं और गणित की एक कठिन समस्या के समाधान के संबंध में एक पत्र पोस्ट करते हैं जिसे अभी तक कोई हल नहीं कर पाया है फिर वह समस्या को हल करने के लिए पत्रिका में छप जाता है और कैम कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रिचर्ड से वहाँ एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए एक पत्र प्राप्त करता है आनंद का परिवार उनका पूरा समर्थन करता है लेकिन परिवार के पास इतना पैसा नहीं है कि वे इंग, इंग्लैंड जा सके आनंद और राजेंद्र मंत्री श्री राम सिंह के पास मदद के लिए जाते हैं लेकिन वह ऐसे किसी भी वादे से इनकार करते हैं आनंद सबूत के तौर पर अपना मेडल देखने दिखाने की कोशिश करते हैं और श्री राम के सम्मान की याद दिलाते हैं लेकिन फिर भी पैसे नहीं मिलते हैं वे दोनों पैसे इकट्ठा करने के की कोशिश करते हैं लेकिन असहाय रहते हैं उसी रात राजेंद्र को दिल का दौरा पड़ा और उनका निधन हो गया जबकि उनके बेटे उन्हें अस्पताल ले गए आनंद अपन आनंद ने अपने पिता की मृत्यु और उनकी आर्थिक स्थिति के कारण कैम्ब्रिज जाने से इनकार कर दिया फिर वह परिवार की आमदनी बढ़ाने के लिए शहर में पापर बेचता है एक दिन वह लल्लन सिंह से मिलता है जो श्री राम सिंह का एक एक है एक क्रोनी नौकर है जो एक हाई प्रोफाइल को, कोचिंग सेंटर चलाता है लल्लन आनंद को एक्सीलेंस को, कोचिंग सेंटर में शिक्षक के रूप में ले जाता है इससे आनंद को आर्थिक रूप से मदद मिलती है और उनके शिक्षक के लिए उनकी प्रशंसा भी होती है एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन आनंद एक लड़के की दुर्दशा देखता है जिसे गरीबी के कारण छोड़ना पड़ा राजेंद्र के शब्दों को याद करते हुए उन्हें पता चलता है कि इन गरीब बच्चों को भी पढ़ने का अधिकार है आखिरकार वह कोचिंग सेंटर छोड़ देता है और गरीब बच्चों के लिए अलग से ट्यूशन शुरू करता है जिसमें वह एक बार में तीस बच्चों को का नामांकन करता है दुर्भाग्य से यह उसे आर्थिक रूप से चोट पहुंचाता है और उसे अपनी प्रेम रुचि सुप्रिया के समर्थन की भी कीमत चुकानी पड़ती है लेकिन फिर भी वह एक आसान और मज़ेदार तरीके से अवधारणाओं को स्पष्ट करके बच्चों को एक उत्साही और व्यवहारिक तरीके से पढ़ाने का फैसला करता है यह सब लल्लन को गुस्सा दिलाता है जिसका केंद्र आनंद को नहीं बनाए रखने के लिए आलोचना का सामना कर रहा है लल्लन आनंद को वापस लाने के प्रयास में आनंद के केंद्र को मुफ्त जियो जियामी मिट्टी बॉक्स देने की कोशिश करता है लेकिन सफल नहीं होता होता है वह आनंद को एक द्व युद्ध की चुनौती देता है जिसमें लल्लन के छात्र और आनंद के छात्र एक ही परीक्षा देते हैं और सबसे कम औसत स्कोर वाले कोचिंग सेंटर को बंद कर दिया जाएगा परीक्षा होती है परीक्षा के परिणामों की घोषणा करने वाले एक समूह एक समारोह में आनंद के छात्र यह जानकर टूट जाते हैं कि वे हार गए कागजात पेश करने के लिए जिस पर आनंद ने प्रतियोगिता से पहले हस्ताक्षर किए थे लल्लन ने सुप्रिया और उनके पति पुरुषोत्तम को एक आई अधिकारी के रूप में आमंत्रित किया जो आनंद को झटका देता है हालांकि कागजात नहीं मिले हैं जो आनंद को कागजात पर हस्ताक्षर करने के ऐसे दावों से इनकार करने के लिए प्रेरित करता है बाद में पता चलता है कि सुप्रिया ने कागजात छिपाए हैं जिसका अर्थ है कि वह गरीब बच्चों को पढ़ाने के आनंद के फैसले को समझ गई ट्यूशन के दौरान आनंद को अपने भाई प्रणव और उसकी माँ जो जेंटी से बहुत मदद मिलती है लल्लन और श्री राम ने आनंद और छात्रों को मारने की साजिश रची ताकि उसके बच्चे भारतीय प्रौत्योगिकी संस्थान आईआईटी जी की परीक्षा ना दे ले ललन को के दो गुंडे आनंद को बुरी तरह से चोट पहुंचाते हैं और मौत के कगार पर अस्पताल में भर्ती है वह अपने छात्रों को श्री राम द्वारा भेजे गए गुंडों को हराने के लिए अपने ज्ञान का उपयोग करने के लिए कहता है जबकि उनका इलाज किया जा रहा है छात्र एकता में विभिन्न अवधारणाओं और विषयों के अपने ज्ञान का उपयोग करते हैं और गुंडों को हराते हैं आनंद का सफलतापूर्वक इलाज किया जाता है और वह स्वस्थ हो जाता है कुछ महीने बाद आईआईटी की परीक्षा देते हैं और उनमें से सभी तीस इसे सफलतापूर्वक पास कर लेते हैं तो स्टोरी यही समाप्त होती है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का स्टार कास्ट बताते हैं ऋतिक रोशन आनंद कुमार का रोल में नजर आया है मुरुनल ठाकुर सुप्रिया कुमार सिंह का रोल में नजर आई वीरेंदर सक्सेना राजेंद्र कुमार का रोल में नजर आए हैं नंदी नन, संधू प्रणव कुमार का रोल में नजर आए आदित्य श्रीवास्तव लल्लन सिंह का रोल में नजर है साधना सिंह जयंती कुमार का रोल में नजर है पंकज त्रिपाठी श्री राम सिंह का रोल में नजर है विजय वर्मा फुग्गू कुमार का रोल में नजर है फुग्गा कुमार का रोल में नजर है अमित रघुनाथ भरट का रोल में नजर आएं, अनुद सिंह ढक्का रघुनाथ से एड का रोल मैनेज रहा है शरद सोनू हदीम मलिक का रोल में नजर है मानव गोयल आई एस पुरुषोत्तम सिंह का रोल नजर है आयुष कुमार शुक्ला विनोद का रोल में नजर है राहुल राज किशोर का रोल में नजर है तो ये थे इस मूवी के का स्टार कास्ट चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बताते हैं इस मूवी को डायरेक्ट किया है विकास बहल ने और इस मूवी को प्रोड्यूस किया है फैंटम फिल्म्स और नारिया वाला ग्रैंड इंटरटेनमेंट ने और रिलायंस इंटरटेनमेंट में और साथ में आपको बता दें कि इस मूवी को लिखा यानी कि रिटेन बाय संजीव दत्ता ने और इस मूवी ये मूवी बेस्ड है आनंद कुमार में और इस मूवी का सिनेमाटोग्राफी अन, अनाई गोस्वामी ने दिया है और इस मूवी को एडिट किया यानी कि एडिटेड बाय ए श्रीकर प्रसाद ने और इस मूवी का म्यूजिक डी आई यानी म्यूजिक बाई अजय अतुल ने और इस मूवी का रिलीज डेट ट्वेल्व जुलाई टू थाउजेंड नाइनटीन है और इस मूवी का रनिंग टाइम वन हंड्रेड फिफ्टी फाइव मिनट है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का बजट और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताते हैं इस मूवी का बजट सिक्सटी करोड़ है और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस से टू हंड्रेड नाइन करोड़ की कमाई की है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का रिव्यू देते हैं इस मूवी का रेटिंग की बात करें तो फाइव स्टार में से फोर पॉइंट एट स्टार मिले हैं ये पब्लिक रेटिंग है यानी कि पब्लिक रिव्यू है और ये काफ़ी अच्छा रेटिंग है फाइव स्टार में से फोर पॉइंट एट स्टार और जैसा कि मैंने बताया कि इस मूवी का बजट सिक्सटी करोड़ है और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस से टू हंड्रेड नाइन करोड़ की कमाई की है तो ये मूवी हिट साबित हुई और क्योंकि ये मूवी हिट साबित हुई क्योंकि ये मूवी एक रियल स्टोरी पर बेस्ड है यानी कि आनंद कुमार के स्टोरी पर बेस्ड है और इस मूवी का स्टोरी भी बहुत अच्छा है यानी कि ये मूवी का स्टोरी सभी लोग बहुत पसंद कर रहे हैं बहुत लोग इस मूवी का स्टोरी बहुत पसंद कर रहे हैं और इस मूवी का स्टोरी अच्छा है तो आप इस मूवी को जरूर देखें हेलो दोस्तों तो आज हम सुपर थर्टी मूवी का फैक्ट एंड रिव्यू बताएंगे तो सबसे पहले हम सुपर थर्टी मूवी का स्टोरी बताते हैं फिल्म फुग्गा के साथ शुरू होती है जो एक सफल व्यक्ति है जो लंदन में अपनी बात रखता है फुग्गा अपने शिक्षक आनंद कुमार से सीखने के अपने अनुभव को याद करते हैं कॉलेज में एक छोटे आनंद को दिखाने के लिए ड्रेस समय पर वापस जाते हैं आनंद एक निमन वर्ग का छात्र है जिसे पढ़ाई का शौक है और वह इसमें अच्छा है एक स्थानीय प्रतियोगिता सत्कार में स्थानीय मंत्री श्री राम सिंह उस पर गर्व करते हैं जब भी जरूरत होती है मदद करने का वादा करते हैं आनंद अक्सर विदेशी गणित पत्रिका में समस्याओं को हल करके गणित सीखने के लिए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के पुस्तकालय जाते हैं एक दिन पुस्तकालय पर्यच पर्यवेक्षक अंत में उसे पकड़ लेता है और कहता है कि उसे वहाँ पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है एक स्टाफ सदस्य ने सुझाव दिया कि वह इस पत्रिका में अपना लेख प्रकाशित करवाएं और इसके लिए जीवन भर मुफ्त सदस्यता प्राप्त करें। आनंद डाक घर जाता है जहां उसके पिता राजेंद्र प्रधान के रूप में काम करते हैं और गणित की एक कठिन समस्या के समाधान के संबंध में एक पत्र पोस्ट करते हैं जिसे अभी तक कोई हल नहीं कर पाया है फिर वह समस्या को हल करने के लिए पत्रिका में छप जाता है और कैम कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रिचर्ड से वहाँ एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए एक पत्र प्राप्त करता है आनंद का परिवार उनका पूरा समर्थन करता है लेकिन परिवार के पास इतना पैसा नहीं है कि वे इंग, इंग्लैंड जा सके आनंद और राजेंद्र मंत्री श्री राम सिंह के पास मदद के लिए जाते हैं लेकिन वह ऐसे किसी भी वादे से इनकार करते हैं आनंद सबूत के तौर पर अपना मेडल देखने दिखाने की कोशिश करते हैं और श्री राम के सम्मान की याद दिलाते हैं लेकिन फिर भी पैसे नहीं मिलते हैं वे दोनों पैसे इकट्ठा करने के, की कोशिश करते हैं लेकिन असहाय रहते हैं उसी रात राजेंद्र को दिल का दौरा पड़ा और उनका निधन हो गया जबकि उनके बेटे उन्हें अस्पताल ले गए आनंद अपन आनंद ने अपने पिता की मृत्यु और उनकी आर्थिक स्थिति के कारण कैम्ब्रिज जाने से इनकार कर दिया फिर वह परिवार की आमदनी बढ़ाने के लिए शहर में पापर बेचता है एक दिन वह लल्लन सिंह से मिलता है जो श्री राम सिंह का एक एक है एक क्रोनी नौकर है जो एक हाई प्रोफाइल को, कोचिंग सेंटर चलाता है लल्लन आनंद को एक्सीलेंस को, कोचिंग सेंटर में शिक्षक के रूप में ले जाता है इससे आनंद को आर्थिक रूप से मदद मिलती है और उनके शिक्षक के लिए उनकी प्रशंसा भी होती है एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन आनंद एक लड़के की दुर्दशा देखता है जिसे गरीबी के कारण छोड़ना पड़ा राजेंद्र के शब्दों को याद करते हुए उन्हें पता चलता है कि इन गरीब बच्चों को भी पढ़ने का अधिकार है आखिरकार वह कोचिंग सेंटर छोड़ देता है और गरीब बच्चों के लिए अलग से ट्यूशन शुरू करता है जिसमें वह एक बार में तीस बच्चों को का नामांकन करता है दुर्भाग्य से यह उसे आर्थिक रूप से चोट पहुंचाता है और उसे अपनी प्रेम रुचि सुप्रिया के समर्थन की भी कीमत चुकानी पड़ती है लेकिन फिर भी वह एक आसान और मज़ेदार तरीके से अवधारणाओं को स्पष्ट करके बच्चों को एक उत्साही और व्यवहारिक तरीके से पढ़ाने का फैसला करता है यह सब लल्लन को गुस्सा दिलाता है जिसका केंद्र आनंद को नहीं बनाए रखने के लिए आलोचना का सामना कर रहा है लल्लन आनंद को वापस लाने के प्रयास में आनंद के केंद्र को मुफ्त जियो जियामी मि, मिट्टी बॉक्स देने की कोशिश करता है लेकिन सफल नहीं होता होता है वह आनंद को एक युद्ध की चुनौती देता है जिसमें लल्लन के छात्र और आनंद के छात्र एक ही परीक्षा देते हैं और सबसे कम औसत स्कोर वाले कोचिंग सेंटर को बंद कर दिया जाएगा परीक्षा होती है परीक्षा के परिणामों की घोषणा करने वाले एक समूह एक समारोह में आनंद के छात्र यह जानकर टूट जाते हैं कि वे हार गए कागजात पेश करने के लिए जिस पर आनंद ने प्रतियोगिता से पहले हस्ताक्षर किए थे लल्लन ने उस सुप्रिया और उनके पति पुरुषोत्तम को एक आई अधिकारी के रूप में आमंत्रित किया जो आनंद को झटका देता है हालांकि कागजात नहीं मिले हैं जो आनंद को कागजात पर हस्ताक्षर करने के ऐसे दावों से इनकार करने के लिए प्रेरित करता है बाद में पता चलता है कि सुप्रिया ने कागजात छिपाए हैं जिसका अर्थ है कि वह गरीब बच्चों को पढ़ाने के आनंद के फैसले को समझ गई ट्यूशन के दौरान आनंद को अपने भाई प्रणव और उसकी माँ जो से बहुत मदद मिलती है लल्लन और श्री राम ने आनंद और छात्रों को मारने की साजिश रची ताकि उसके बच्चे भारतीय ए संस्थान आई संस्थान आईआईटी जी की परीक्षा ना दे ले, ललन को के दो गुंडे आनंद को बुरी तरह से चोट पहुंचाते हैं और मौत के कगार पर अस्पताल में भर्ती है वह अपने छात्रों को श्री राम द्वारा भेजे गए गुंडों को हराने के लिए अपने ज्ञान का उपयोग करने के लिए कहता है जबकि उनका इलाज किया जा रहा है छात्र एकता में विभिन्न अवधारणाओं और विषयों के अपने ज्ञान का उपयोग करते हैं और गुंडों को हराते हैं आनंद का सफलतापूर्वक इलाज किया जाता है और वह स्वस्थ हो जाता है कुछ महीने बाद आईआईटी की परीक्षा देते हैं और उनमें से सभी तीस इसे सफलतापूर्वक पास कर लेते हैं तो स्टोरी यही समाप्त होती है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का स्टार कास्ट बताते हैं ऋतिक रोशन आनंद कुमार का रोल में नजर आया है मुरुनल ठाकुर सुप्रिया कुमार सिंह का रोल में नजर आई वीरेंदर सक्सेना राजेंद्र कुमार का रोल में नजर आए हैं नंदी नन, संधू प्रणव कुमार का रोल में नजर आए आदित्य श्रीवास्तव लल्लन सिंह का रोल में नजर है साधना सिंह जयंती कुमार का रोल में नजर है पंकज त्रिपाठी श्री राम सिंह का रोल में नजर है विजय वर्मा फुग्गू कुमार का रोल में नजर है फुग्गा कुमार का रोल में नजर है अमित रघुनाथ भरट का रोल में नजर आएं, अनुज सिंह ढक्का रघुनाथ से एड का रोल मैनेज रहा है शरद सोनू हदीम मलिक का रोल में नजर आया, मानव गोयल आई एस पुरुषोत्तम सिंह का रोल में नजर आया, आयुष कुमार शुक्ला विनोद का रोल में नजर आया, राहुल राज किशोर का रोल में नजर आया, तो ये थे इस मूवी के स्टार का चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बताते हैं इस मूवी को डायरेक्ट किया है विकास बहल ने और इस मूवी को प्रोड्यूस किया है फैंटम फिल्म्स और नारिया वाला ग्रैंड इंटरटेनमेंट ने और रिलायंस इंटरटेनमेंट में और साथ में आपको बता दें कि इस मूवी को लिखा यानी कि रिटेन बाय संजीव दत्ता ने और इस मूवी ये मूवी बेस्ड है आनंद कुमार में और इस मूवी का सिनेमाटोग्राफी अन, अनाई गोस्वामी ने दिया है और इस मूवी को एडिट किया यानी कि एडिटेड बाय ए श्रीकर प्रसाद ने और इस मूवी का म्यूजिक डी आई यानी म्यूजिक बाय अजय अतुल ने और इस मूवी का रिलीज डेट ट्वेल्व जुलाई टू थाउजेंड नाइनटीन है और इस मूवी का रनिंग टाइम वन हंड्रेड फिफ्टी फाइव मिनट है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का बजट और इस मूवी तो का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताते हैं इस मूवी का बजट सिक्सटी करोड़ है और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस से टू हंड्रेड नाइन करोड़ की कमाई की है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का रिव्यू देते हैं इस मूवी का रेटिंग की बात करें तो फाइव स्टार में से फोर पॉइंट एट स्टार मिले हैं ये पब्लिक रेटिंग है यानी कि पब्लिक रिव्यू है और ये काफ़ी अच्छा रेटिंग है फाइव स्टार में से फोर पॉइंट एट स्टार और जैसा कि मैंने बताया कि इस मूवी का बजट सिक्सटी करोड़ है और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस से टू हंड्रेड नाइन करोड़ की कमाई की है तो ये मूवी हिट साबित हुई और क्योंकि ये मूवी हिट साबित हुई क्योंकि ये मूवी एक रियल स्टोरी पर बेस्ड है यानी कि आनंद कुमार के स्टोरी पर बेस्ड है और इस मूवी का स्टोरी भी बहुत अच्छा है यानी कि ये मूवी का स्टोरी सभी लोग बहुत पसंद कर रहे हैं बहुत लोग इस मूवी का स्टोरी बहुत पसंद कर रहे हैं और इस मूवी का स्टोरी अच्छा है तो आप इस मूवी को जरूर देखें हेलो दोस्तों तो आज हम सुपर थर्टी मूवी का फैक्ट एंड रिव्यू बताएंगे तो सबसे पहले हम सुपर थर्टी मूवी का स्टोरी बताते हैं फिल्म फुग्गा के साथ शुरू होती है जो एक सफल व्यक्ति है जो लंदन में अपनी बात रखता है फुग्गा अपने शिक्षक आनंद कुमार से सीखने के अपने अनुभव को याद करते हैं कॉलेज में एक छोटे आनंद को दिखाने के लिए ड्रेस समय पर वापस जाते हैं आनंद एक निमन वर्ग का छात्र है जिसे पढ़ाई का शौक है और वह इसमें अच्छा है एक स्थानीय प्रतियोगिता सत्कार में स्थानीय मंत्री श्री राम सिंह उस पर गर्व करते हैं जब भी जरूरत होती है मदद करने का वादा करते हैं आनंद अक्सर विदेशी गणित पत्रिका में समस्याओं को हल करके गणित सीखने के लिए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के पुस्तकालय जाते हैं एक दिन पुस्तकालय पर्यच पर्यवेक्षक अंत में उसे पकड़ लेता है और कहता है कि उसे वहां पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है एक स्टाफ सदस्य ने सुझाव दिया कि वह इस पत्रिका में अपना लेख प्रकाशित करवाएं और इसके लिए जीवन भर मुफ्त सदस्यता प्राप्त करें। आनंद डाक घर जाता है जहां उसके पिता राजेंद्र प्रधान के रूप में काम करते हैं और गणित की एक कठिन समस्या के समाधान के संबंध में एक पत्र पोस्ट करते हैं जिसे अभी तक कोई हल नहीं कर पाया है फिर वह समस्या को हल करने के लिए पत्रिका में छप जाता है और कैम कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रिचर्ड से वहाँ एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए एक पत्र प्राप्त करता है आनंद का परिवार उनका पूरा समर्थन करता है लेकिन परिवार के पास इतना पैसा नहीं है कि वे इंग, इंग्लैंड जा सके आनंद और राजेंद्र मंत्री श्री राम सिंह के पास मदद के लिए जाते हैं लेकिन वह ऐसे किसी भी वादे से इनकार करते हैं आनंद सबूत के तौर पर अपना मेडल देखने दिखाने की कोशिश करते हैं और श्री राम के सम्मान की याद दिलाते हैं लेकिन फिर भी पैसे नहीं मिलते हैं वे दोनों पैसे इकट्ठा करने के की कोशिश करते हैं लेकिन असहाय रहते हैं उसी रात राजेंद्र को दिल का दौरा पड़ा और उनका निधन हो गया जबकि उनके बेटे उन्हें अस्पताल ले गए आनंद अपन आनंद ने अपने पिता की मृत्यु और उनकी आर्थिक स्थिति के कारण कैम्ब्रिज जाने से इनकार कर दिया फिर वह परिवार की आमदनी बढ़ाने के लिए शहर में पापर बेचता है एक दिन वह लल्लन सिंह से मिलता है जो श्री राम सिंह का एक एक है एक क्रोनी नौकर है जो एक हाई प्रोफाइल को, कोचिंग सेंटर चलाता है लल्लन आनंद को एक्सीलेंस को, कोचिंग सेंटर में शिक्षक के रूप में ले जाता है इससे आनंद को आर्थिक रूप से मदद मिलती है और उनके शिक्षक के लिए उनकी प्रशंसा भी होती है एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन आनंद एक लड़के की दुर्दशा देखता है जिसे गरीबी के कारण छोड़ना पड़ा राजेंद्र के शब्दों को याद करते हुए उन्हें पता चलता है कि इन गरीब बच्चों को भी पढ़ने का अधिकार है आखिरकार वह कोचिंग सेंटर छोड़ देता है और गरीब बच्चों के लिए अलग से ट्यूशन शुरू करता है जिसमें वह एक बार में तीस बच्चों को का नामांकन करता है दुर्भाग्य से यह उसे आर्थिक रूप से चोट पहुंचाता है और उसे अपनी प्रेम रुचि सुप्रिया के समर्थन की भी कीमत चुकानी पड़ती है लेकिन फिर भी वह एक आसान और मज़ेदार तरीके से अवधारणाओं को स्पष्ट करके बच्चों को एक उत्साही और व्यवहारिक तरीके से पढ़ाने का फैसला करता है यह सब लल्लन को गुस्सा दिलाता है जिसका केंद्र आनंद को नहीं बनाए रखने के लिए आलोचना का सामना कर रहा है लल्लन आनंद को वापस लाने के प्रयास में आनंद के केंद्र को मुफ्त मिट्टी बॉक्स देने की कोशिश करता है लेकिन सफल नहीं होता होता है वह आनंद को एक युद्ध की चुनौती देता है जिसमें लल्लन के छात्र और आनंद के छात्र एक ही परीक्षा देते हैं और सबसे कम औसत तो स्कोर वाले कोचिंग सेंटर को बंद कर दिया जाएगा परीक्षा होती है परीक्षा के परिणामों की घोषणा करने वाले एक समूह एक समारोह में आनंद के छात्र यह हार गए कागजात पेश करने के लिए जिस पर आनंद ने प्रतियोगिता से पहले हस्ताक्षर किए थे लल्लन ने उस सुप्रिया और उनके पति पुरुषोत्तम को एक आई अधिकारी के रूप में आमंत्रित किया जो आनंद को झटका देता है हालांकि कागजात नहीं मिले हैं जो आनंद को कागजात पर हस्ताक्षर करने के ऐसे दावों से इनकार करने के लिए प्रेरित करता है बाद में पता चलता है कि सुप्रिया ने कागजात छिपाए हैं जिसका अर्थ है कि वह गरीब बच्चों को पढ़ाने के आनंद के फैसले को समझ गई ट्यूशन के दौरान आनंद को अपने भाई प्रणव और उसकी माँ जा जो जैंती से बहुत मदद मिलती है लल्लन और श्री राम ने आनंद और छात्रों को मारने की साजिश रची ताकि उसके बच्चे भारतीय प्रौत्योगिकी संस्थान आईआईटी जी की परीक्षा ना दे ले ललन को के दो गुंडे आनंद को बुरी तरह से चोट पहुंचाते हैं और मौत के कगार पर अस्पताल में भर्ती है वह अपने छात्रों को श्री राम द्वारा भेजे गए गुंडों को हराने के लिए अपने ज्ञान का उपयोग करने के लिए कहता है जबकि उनका इलाज किया जा रहा है छात्र एकता में विभिन्न अवधारणाओं और, और विषयों के अपने ज्ञान का उपयोग करते हैं और गुंडों को हराते हैं आनंद का सफलतापूर्वक इलाज किया जाता है और वह स्वस्थ हो जाता है कुछ महीने बाद आईआईटी की परीक्षा देते हैं और उनमें से सभी तीस इसे सफलतापूर्वक पास कर लेते हैं तो स्टोरी यही समाप्त होती है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का स्टार कास्ट बताते हैं ऋतिक रोशन आनंद कुमार का रोल में नजर आए मुरुनल ठाकुर सुप्रिया कुमार सिंह का रोल में नजर आई वीरेंद्र सक्सेना राजेंद्र कुमार का रोल में नजर नन... आए नंदी संधू प्रणव कुमार का रोल में नजर है आदित्य श्रीवास्तव लल्लन सिंह का रोल में नजर है साधना सिंह जयंती कुमार का रोल में नजर जा पंकज त्रिपाठी श्री राम सिंह का रोल में नजर जा विजय वर्मा फुग्गू कुमार का रोल में नजर है फुग्गा कुमार का रोल में नजर आए अमित रघुनाथ भरत का रोल नजर आए, अनुड सिंह ढक धाक ढक्का रघुनाथ से एड का रोल में नजर है शरद सोनू हदीम मलिक का रोल में नजर है मानव गोयल आई एस पुरुषोत्तम सिंह का रोल में नजर आए, आयुष कुमार शुक्ला विनोद का रोल में नजर आए, राहुल राज किशोर का रोल नजर आए तो ये थे इस मूवी के स्टार का चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बताते हैं इस मूवी को डायरेक्ट किया है विकास बहल ने और इस मूवी को प्रोड्यूस किया है फैंटम फिल्म्स और नारिय वाला ग्रैंड सन इंटरटेनमेंट ने और रिलायंस इंटरटेनमेंट में और साथ में आपको बता दें कि इस मूवी को लिखा है यानी कि रिटर्न बाय संजीव दत्ता ने और इस मूवी ये मूवी बेस्ड है आनंद कुमार में और इस मूवी का सिनेमाटोग्राफी अन गोस्वामी ने दिया है और इस मूवी को एडिट किया यानी कि एडिटेड बाय ए श्रीकर प्रसाद ने और इस मूवी को म्यूजिक दिया है यानी म्यूजिक बाय अजय अतुल ने और इस मूवी का रिलीज डेट ट्वेल्व जुलाई टू थाउजेंड है और इस मूवी का रनिंग टाइम वन हंड्रेड फिफ्टी फाइव मिनट्स है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का बजट और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताते हैं इस मूवी का बजट सिक्सटी करोड़ है और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस से टू हंड्रेड नाइन करोड़ की कमाई की है चलिए दोस्तों हम इस मूवी का रिव्यू देते हैं इस मूवी का रेटिंग की बात करें तो फाइव स्टार में से फोर पॉइंट एट स्टार मिले हैं ये पब्लिक रेटिंग है यानी कि पब्लिक रिव्यू है और ये काफी अच्छा रेटिंग है फाइव स्टार में से फोर पॉइंट एट स्टार और जैसा कि मैंने बताया कि इस मूवी का बजट सिक्सटी करोड़ है और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस से टू करोड़ की कमाई की है तो ये मूवी हिट साबित हुई और क्योंकि ये मूवी हिट साबित हुई क्योंकि ये मूवी एक रियल स्टोरी पे बेस्ड है यानी कि आनंद कुमार के स्टोरी पे बेस्ड है और इस मूवी का स्टोरी भी बहुत अच्छा है यानी कि ये मूवी का स्टोरी सभी लोग बहुत पसंद कर रहे हैं बहुत लोग इस मूवी का स्टोरी बहुत पसंद कर रहे हैं और इस मूवी का स्टोरी अच्छा है तो आप इस मूवी को ज़रूर देखें हेलो दोस्तों तो आज हम सुपर थर्टी मूवी का फैक्ट एंड रिव्यू बताएंगे तो सबसे पहले हम सुपर थर्टी मूवी का स्टोरी बताते हैं फिल्म फुग्गा के साथ शुरू होती है जो एक सफल व्यक्ति है जो लंदन में अपनी बात रखता है फुग्गा अपने शिक्षक आनंद कुमार से सीखने के अपने अनुभव को याद करते हैं कॉलेज में एक छोटे आनंद को दिखाने के लिए ड्रेस समय पर वापस जाते हैं आनंद एक निमन वर्ग का छात्र है जिसे पढ़ाई का शौक है और वह इसमें अच्छा है एक स्थानीय प्रतियोगिता सत्कार में स्थानीय मंत्री श्री राम सिंह उस पर गर्व करते हैं जब भी जरूरत होती है मदद करने का वादा करते हैं आनंद अक्सर विदेशी गणित पत्रिका में समस्याओं को हल करके गणित सीखने के लिए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के पुस्तकालय जाते हैं एक दिन पुस्तकालय पर्यच पर्यवेक्षक अंत में उसे पकड़ लेता है और कहता है कि उसे वहाँ पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है एक स्टाफ सदस्य ने सुझाव दिया कि वह इस पत्रिका में अपना लेख प्रकाशित करवाएं और इसके लिए जीवन भर मुफ्त सदस्यता प्राप्त करें। आनंद डाक घर जाता है जहां उसके पिता राजेंद्र प्रधान के रूप में काम करते हैं और गणित की एक कठिन समस्या के समाधान के संबंध में एक पत्र पोस्ट करते हैं जिसे अभी तक कोई हल नहीं कर पाया है फिर वह समस्या को हल करने के लिए पत्रिका में छप जाता है और कैम कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रिचर्ड से वहाँ एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए एक पत्र प्राप्त करता है आनंद का परिवार उनका पूरा समर्थन करता है लेकिन परिवार के पास इतना पैसा नहीं है कि वे इंग, इंग्लैंड जा सके आनंद और राजेंद्र मंत्री श्री राम सिंह के पास मदद के लिए जाते हैं लेकिन वह ऐसे किसी भी वादे से इनकार करते हैं आनंद सबूत के तौर पर अपना मेडल देखने दिखाने की कोशिश करते हैं और श्री राम के सम्मान की याद दिलाते हैं लेकिन फिर भी पैसे नहीं मिलते हैं वे दोनों पैसे इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं लेकिन असहाय रहते हैं उसी रात राजेंद्र को डील का दौरा पड़ा और उनका निधन हो गया जबकि उनके बेटे उन्हें अस्पताल ले गए। आनंद, अपन, आनंद ने अपने पिता की मृत्यु और उनकी आर्थिक स्थिति के कारण कैम्ब्रिज जाने से इनकार कर दिया फिर वह परिवार की आमदनी बढ़ाने के लिए शहर में पापर बेचता है एक दिन वह लल्लन सिंह से मिलता है जो श्री राम सिंह का एक एक है एक क्रोनी नौकर है जो एक हाई प्रोफाइल कोचिंग सेंटर चलाता है लल्लन आनंद की को एक्सीलेंस कोचिंग सेंटर में शिक्षक के रूप में ले जाता है इससे आनंद को आर्थिक रूप से मदद मिलती है और उनके शिक्षक के लिए उनकी प्रशंसा भी होती है एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन आनंद एक लड़के की दुर्दशा देखता है जिसे गरीबी के कारण छोड़ना पड़ा राजेंद्र के शब्दों को याद करते हुए उन्हें पता चलता है कि इन गरीब बच्चों को भी पढ़ने का अधिकार है आखिरकार वह कोचिंग सेंटर छोड़ देता है और गरीब बच्चों के लिए अलग से ट्यूशन शुरू करता है जिसमें वह एक बार में तीस बच्चों को का नामांकन करता है दुर्भाग्य से यह उसे आर्थिक रूप से चोट पहुंचाता है और उसे अपनी प्रेम रुचि सुप्रिया के समर्थन की भी कीमत चुकानी पड़ती है लेकिन फिर भी वह एक आसान और मज़ेदार तरीके से अवधारणाओं को स्पष्ट करके बच्चों को एक उत्साही और व्यवहारिक तरीके से पढ़ाने का फैसला करता है यह सब लल्लन को गुस्सा दिलाता है जिसका केंद्र आनंद को नहीं बनाए रखने के लिए आलोचना का सामना कर रहा है लल्लन आनंद को वापस लाने के प्रयास में आनंद के केंद्र को मुफ्त जो जियो मि, बॉक्स बॉक्स देने की कोशिश करता है लेकिन सफल नहीं होता होता है वह आनंद को एक युद्ध की चुनौती देता है जिसमें लल्लन के छात्र और आनंद के छात्र एक ही परीक्षा देते हैं और सबसे कम औसत स्कोर वाले कोचिंग सेंटर को बंद कर दिया जाएगा परीक्षा होती है परीक्षा के परिणामों की घोषणा करने वाले एक समूह एक समारोह में आनंद के छात्र यह हार गए कागजात पेश करने के लिए जिस पर आनंद ने प्रतियोगिता से पहले हस्ताक्षर किए थे लल्लन ने उस सुप्रिया और उनके पति पुरुषोत्तम को एक आई अधिकारी के रूप में आमंत्रित किया जो आनंद को झटका देता है हालांकि कागजात नहीं मिले हैं जो आनंद को कागजात पर हस्ताक्षर करने के ऐसे दावों से इनकार करने के लिए प्रेरित करता है बाद में पता चलता है कि सुप्रिया ने कागजात छिपाए जिसका अर्थ है कि वह गरीब बच्चों को पढ़ाने के आनंद के फैसले को समझ गई ट्यूशन के दौरान आनंद को अपने भाई प्रणव और उसकी माँ जो जैंती से बहुत मदद मिलती है लल्लन और श्री राम ने आनंद और छात्रों को मारने की साजिश रची ताकि उसके बच्चे भारतीय प्रौत्योगिकी संस्थान आईआईटी जी की परीक्षा ना दे ले को के दो गुंडे आनंद को बुरी तरह से चोट पहुंचाते हैं और मौत के कगार पर अस्पताल में भर्ती है वह अपने छात्रों को श्री राम द्वारा भेजे गए गुंडों को हराने के लिए अपने ज्ञान का उपयोग करने के लिए कहता है जबकि उनका इलाज किया जा रहा है छात्र एकता में विभिन्न अवधारणाओं और विषयों के अपने ज्ञान का उपयोग करते हैं और गुंडों को हराते हैं आनंद का सफलतापूर्वक इलाज किया जाता है और वह स्वस्थ हो जाता है कुछ महीने बाद आईआईटी की परीक्षा देते हैं और उनमें से सभी तीस इसे सफलतापूर्वक पास कर लेते हैं तो स्टोरी यहीं समाप्त होती है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का स्टार कास्ट बताते हैं ऋतिक रोशन आनंद कुमार का रोल में नजर आए मुरुनल ठाकुर सुप्रिया कुमार सिंह का रोल में नजर आई वीरेंद्र सक्सेना राजेंद्र कुमार का रोल में नजर आए नंदी नन, संधू प्रणव कुमार का रोल में नजर आए आदित्य श्रीवास्तव लल्लन सिंह का रोल में नजर आए साधना सिंह जयंती कुमार का रोल में नजर आए पंकज त्रिपाठी श्री राम सिंह का रोल में नजर आए विजय वर्मा फुग्गू कुमार का रोल नजर रहा है फुग्गा कुमार का रोल मैनेजर है अमित रघुनाथ भारत का रोल मैनेज रहा है अनुज सिंह ढक धक, ढक्का रघुनाथ से एड का रोल में नजर जा रहा है शरद सोनू हदीम मलिक का रोल में नजर रहा है मानव गोयल आई एस पुरुषोत्तम सिंह का रोल मैनेजर है आयुष कुमार शुक्ला विनोद का रोल में नजर रहा है राहुल राज किशोर करवल में नजर आए तो ये थे इस मूवी के का स्टारकास्ट चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बताते हैं इस मूवी को डायरेक्ट किया है विकास बहल ने और इस मूवी को प्रोड्यूस किया है फैंटम फिल्म्स और नारिया वाला ग्रैंड सन इंटरटेनमेंट ने और इस रिलायंस इंटरटेनमेंट में और साथ में आपको बता दें कि इस मूवी को लिखा है यानी कि रिटर्न बाय संजीव दत्ता ने और इस मूवी ये मूवी बेस्ड है आनंद कुमार में और इस मूवी का सिनेमाटोग्राफी अन, अनाई गोस्वामी ने दिया है और इस मूवी को एडिट किया यानी कि एडिटेड बाय ए श्रीकर प्रसाद ने और इस मूवी को म्यूजिक दिया है यानी म्यूजिक बाय अजय अतुल ने और इस मूवी का रिलीज डेट ट्वेल्व जुलाई टू थाउजेंड है और इस मूवी का रनिंग टाइम वन हंड्रेड फिफ्टी फाइव मिनट्स है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का बजट और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताते हैं इस मूवी का बजट सिक्सटी करोड़ है और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस से 209 करोड़ की कमाई की है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का रिव्यू देते हैं इस मूवी का रेटिंग की बात करें तो फाइव स्टार में से फोर स्टार मिले हैं ये पब्लिक रेटिंग है यानी कि पब्लिक रिव्यू है और ये काफ़ी अच्छा रेटिंग है फाइव स्टार में से फोर पॉइंट एट स्टार और जैसा कि मैंने बताया कि इस मूवी का बजट सिक्सटी करोड़ है और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस से टू हंड्रेड नाइन करोड़ की कमाई की है तो ये मूवी हिट साबित हुई और क्योंकि ये मूवी हिट साबित हुई क्योंकि ये मूवी एक रियल स्टोरी पे बेस्ड है यानी कि आनंद कुमार के स्टोरी पे बेस्ड है और इस मूवी का स्टोरी भी बहुत अच्छा है यानी कि ये मूवी का स्टोरी सभी लोग बहुत पसंद कर रहे हैं बहुत लोग इस मूवी का स्टोरी बहुत पसंद कर रहे हैं और इस मूवी का स्टोरी अच्छा है तो आप इस मूवी को ज़रूर देखें हेलो दोस्तों तो आज हम सुपर थर्टी मूवी का फैक्ट एंड रिव्यू बताएंगे तो सबसे पहले हम सुपर थर्टी मूवी का स्टोरी बताते हैं फिल्म फुग्गा के साथ शुरू होती है जो एक सफल व्यक्ति है जो लंदन में अपनी बात रखता है फुग्गा अपने शिक्षक आनंद कुमार से सीखने के अपने अनुभव को याद करते हैं कॉलेज में एक छोटे आनंद को दिखाने के लिए ड्रेस समय पर वापस जाते हैं आनंद एक निमन वर्ग का छात्र है जिसे पढ़ाई का शौक है और वह इसमें अच्छा है एक स्थानीय प्रतियोगिता सत्कार में स्थानीय मंत्री श्री राम सिंह उस पर गर्व करते हैं जब भी ज़रूरत होती है मदद करने का वादा करते हैं आनंद अक्सर विदेशी गणित पत्रिका में समस्याओं को हल करके गणित सीखने के लिए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के पुस्तकालय जाते हैं एक दिन पुस्तकालय पर्यच पर्यवेक्षक अंत में उसे पकड़ लेता है और कहता है कि उसे वहां पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है एक स्टाफ सदस्य ने सुझाव दिया कि वह इस पत्रिका में अपना लेख प्रकाशित कर करवाएं और इसके लिए जीवन भर मुफ्त सदस्यता प्राप्त करें आनंद डाक घर जाता है जहां उसके पिता राजेंद्र प्रधान के रूप में काम करते हैं और गणित की एक कठिन समस्या के समाधान के संबंध में एक पत्र पोस्ट करते हैं जिसे अभी तक कोई हल नहीं कर पाया है फिर वह समस्या को हल करने के लिए पत्रिका में छप जाता है और कैम कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रिचर्ड से वहां एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए एक पत्र प्राप्त करता है आनंद का परिवार उनका पूरा समर्थन करता है लेकिन परिवार के पास इतना पैसा नहीं है कि वे इंग, इंग्लैंड जा सके आनंद और राजेंद्र मंत्री श्री राम सिंह के पास मदद के लिए जाते हैं लेकिन वह ऐसे किसी भी वादे से इनकार करते हैं आनंद सबूत के तौर पर अपना मेडल देखने दिखाने की कोशिश करते हैं और श्री राम के सम्मान की याद दिलाते हैं लेकिन फिर भी पैसे नहीं मिलते हैं वे दोनों पैसे इकट्ठा करने के, की कोशिश करते हैं लेकिन असहाय रहते हैं उसी रात राजेंद्र को डील का दौरा पड़ा और उनका निधन हो गया जबकि उनके बेटे उन्हें अस्पताल ले गए आनंद अपने आनंद ने अपने पिता की मृत्यु और उनकी आर्थिक स्थिति के कारण कैम्ब्रिज जाने से इनकार कर दिया फिर वह परिवार की आमदनी बढ़ाने के लिए शहर में पापर बेचता है एक दिन वह लल्लन सिंह से मिलता है जो श्री राम सिंह का एक एक है एक क्रोनी नौकर है जो एक हाई प्रोफाइल को, कोचिंग सेंटर चलाता है लल्लन आनंद को एक्सीलेंस को, कोचिंग सेंटर में शिक्षक के रूप में ले जाता है इससे आनंद को आर्थिक रूप से मदद मिलती है और उनके शिक्षक के लिए उनकी प्रशंसा भी होती है एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन आनंद एक लड़के की दुर्दशा देखता है जिसे गरीबी के कारण छोड़ना पड़ा राजेंद्र के शब्दों को याद करते हुए उन्हें पता चलता है कि इन गरीब बच्चों को भी पढ़ने का अधिकार है आखिरकार वह कोचिंग सेंटर छोड़ देता है और गरीब बच्चों के लिए अलग से ट्यूशन शुरू करता है जिसमें वह एक बार में तीस बच्चों को का नामांकन करता है दुर्भाग्य से यह उसे आर्थिक रूप से चोट पहुंचाता है और उसे अपनी प्रेम रुचि सुप्रिया के समर्थन की भी कीमत चुकानी पड़ती है लेकिन फिर भी वह एक आसान और मज़ेदार तरीके से अवधारणाओं को स्पष्ट करके बच्चों को एक उत्साही और व्यवहारिक तरीके से पढ़ाने का फैसला करता है यह सब लल्लन को गुस्सा दिलाता है जिसका केंद्र आनंद को नहीं बनाए रखने के लिए आलोचना का सामना कर रहा है लल्लन आनंद को वापस लाने के प्रयास में आनंद के केंद्र को मुफ्त जियो जियामी मिट्टी बॉक्स देने की कोशिश करता है लेकिन सफल नहीं होता होता है वह आनंद को एक ड्वंद युद्ध की चुनौती देता है जिसमें लल्लन के छात्र और आनंद के छात्र एक ही परीक्षा देते हैं और सबसे कम औसत स्कोर वाले कोचिंग सेंटर को बंद कर दिया जाएगा परीक्षा होती है परीक्षा के परिणामों की घोषणा करने वाले एक समूह एक समारोह में आनंद के छात्र यह हार गए कागजात पेश करने के लिए जिस पर आनंद ने प्रतियोगिता से पहले हस्ताक्षर किए थे लल्लन ने सुप्रिया और उनके पति पुरुषोत्तम को एक आई अधिकारी के रूप में आमंत्रित किया जो आनंद को झटका देता है हालांकि कागजात नहीं मिले हैं जो आनंद को कागजात पर हस्ताक्षर करने के ऐसे दावों से इनकार करने के लिए प्रेरित करता है बाद में पता चलता है कि सुप्रिया ने कागजात छिपाए हैं जिसका अर्थ है कि वह गरीब बच्चों को पढ़ाने के आनंद के फैसले को समझ गई ट्यूशन के दौरान आनंद को अपने भाई प्रणव और उसकी माँ जो जन से बहुत मदद मिलती है लल्लन और श्री राम ने आनंद और छात्रों को मारने की साजिश रची ताकि उसके बच्चे भारतीय प्रौत्योगिकी संस्थान आईआईटी जी की परीक्षा ना दे ललन को के दो गुंडे आनंद को बुरी तरह से चोट पहुंचाते हैं और मौत के कगार पर अस्पताल में भर्ती है वह अपने छात्रों को श्री राम द्वारा भेजे गए गुंडों को हराने के लिए अपने ज्ञान का उपयोग करने के लिए कहता है जबकि उनका इलाज किया जा रहा है छात्र एकता में विभिन्न अवधारणाओं और विषयों के अपने ज्ञान का उपयोग करते हैं और गुंडों को हराते हैं आनंद का सफलतापूर्वक इलाज किया जाता है और वह स्वस्थ हो जाता है कुछ महीने बाद आईआईटी की परीक्षा देते हैं और उनमें से सभी तीस इसे सफलतापूर्वक पास कर लेते हैं तो स्टोरी यही समाप्त होती है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का स्टार कास्ट बताते हैं ऋतिक रोशन आनंद कुमार का रोल में नजर आए मुरुनल ठाकुर सुप्रिया कुमार सिंह का रोल में नजर आई वीरेंद्र सक्सेना राजेंद्र कुमार का रोल में नजर आए नंदी नन, संधू प्रणव कुमार का रोल में नजर आए आदित्य श्रीवास्तव लल्लन सिंह का रोल में नजर है साधना सिंह जयंती कुमार का रोल में नजर है पंकज त्रिपाठी श्री राम सिंह का रोल में नजर है विजय वर्मा फुग्गू कुमार का रोल में नजर है फुग्गा कुमार का रोल में नजर है अमित रघुनाथ भारत का रोल में नजर है अनुद सिंह ढक्का रघुनाथ से एड का रोल मैनेज रहा है शरद सोनू हदीम मलिक का रोल में नजर है मानव गोयल आई एस पुरुषोत्तम सिंह का रोल में नजर है आयुष कुमार शुक्ला विनोद का रोल में नजर है राहुल राज किशोर का रोल में नजर है तो ये थे इस मूवी के स्टार कास्ट चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बताते हैं इस मूवी को डायरेक्ट किया है विकास बहल ने और इस मूवी को प्रोड्यूस किया है फैंटम फिल्म्स और नारिया वाला ग्रैंड इंटरटेनमेंट ने और रिलायंस इंटरटेनमेंट में और साथ में आपको बता दें कि इस मूवी को लिखा यानी कि रिटेन बाय संजीव दत्ता ने और इस मू ये मूवी बेस्ड है आनंद कुमार में और इस मूवी का सिनेमाटोग्राफी अन, अनाई गोस्वामी ने दिया है और इस मूवी को एडिट किया यानी कि एडिटेड बाय ए श्रीकर प्रसाद ने और इस मूवी का म्यूजिक डी आई यानी म्यूजिक बाई अजय अतुल ने और इस मूवी का रिलीज डेट ट्वेल्व जुलाई टू थाउजेंड नाइनटीन है और इस मूवी का रनिंग टाइम वन हंड्रेड फिफ्टी फाइव मिनट्स है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का बजट और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताते हैं इस मूवी का बजट सिक्सटी करोड़ है और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस से टू हंड्रेड नाइन करोड़ की कमाई की है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का रिव्यू देते हैं इस मूवी का रेटिंग की बात करें तो फाइव स्टार में से फोर पॉइंट एट स्टार मिले हैं ये पब्लिक रेटिंग है यानी कि पब्लिक रिव्यू है और ये काफ़ी अच्छा रेटिंग है फाइव स्टार में से फोर पॉइंट एट स्टार और जैसा कि मैंने बताया कि इस मूवी का बजट सिक्सटी करोड़ है और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस से टू हंड्रेड नाइन करोड़ की कमाई की है तो ये मूवी हिट साबित हुई और क्योंकि ये मूवी हिट साबित हुई क्योंकि ये मूवी एक रियल स्टोरी पर बेस्ड है यानी कि आनंद कुमार के स्टोरी पर बेस्ड है और इस मूवी का स्टोरी भी बहुत अच्छा है यानी कि ये मूवी का स्टोरी सभी लोग बहुत पसंद कर रहे हैं बहुत लोग इस मूवी का स्टोरी बहुत पसंद कर रहे हैं और इस मूवी का स्टोरी अच्छा है तो आप इस मूवी को ज़रूर देखें हेलो दोस्तों तो आज हम सुपर थर्टी मूवी का फैक्ट एंड रिव्यू बताएंगे तो सबसे पहले हम सुपर थर्टी मूवी का स्टोरी बताते हैं फिल्म फुग्गा के साथ शुरू होती है जो एक सफल व्यक्ति है जो लंदन में अपनी बात रखता है फुग्गा अपने शिक्षक आनंद कुमार से सीखने के अपने अनुभव को याद करते हैं कॉलेज में एक छोटे आनंद को दिखाने के लिए ड्रेस समय पर वापस जाते हैं आनंद एक निमन वर्ग का छात्र है जिसे पढ़ाई का शौक है और वह इसमें अच्छा है एक स्थानीय प्रतियोगिता में स्थानीय मंत्री श्री राम सिंह उस पर गर्व करते हैं जब भी जरूरत होती है मदद करने का वादा करते हैं आनंद अक्सर विदेशी गणित पत्रिका में समस्याओं को हल करके गणित सीखने के लिए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के पुस्तकालय जाते हैं एक दिन पुस्तकालय पर्यच पर्यवेक्षक अंत में उसे पकड़ लेता है और कहता है कि उसे वहां पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है एक स्टाफ सदस्य ने सुझाव दिया कि वह इस पत्रिका में अपना लेख प्रकाशित करवाएं और इसके लिए जीवन भर मुफ्त सदस्यता प्राप्त करें। आनंद डाक घर जाता है जहां उसके पिता राजेंद्र प्रधान के रूप में काम करते हैं और गणित की एक कठिन समस्या के समाधान के संबंध में एक पत्र पोस्ट करते हैं जिसे अभी तक कोई हल नहीं कर पाया है फिर वह समस्या को हल करने के लिए पत्रिका में छप जाता है और कैम कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रिचर्ड से वहाँ एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए एक पत्र प्राप्त करता है आनंद का परिवार उनका पूरा समर्थन करता है लेकिन परिवार के पास इतना पैसा नहीं है कि वे इंग, इंग्लैंड जा सके आनंद और राजेंद्र मंत्री श्री राम सिंह के पास मदद के लिए जाते हैं लेकिन वह ऐसे किसी भी वादे से इनकार करते हैं आनंद सबूत के तौर पर अपना मेडल देखने दिखाने की कोशिश करते हैं और श्री राम के सम्मान की याद दिलाते हैं लेकिन फिर भी पैसे नहीं मिलते हैं वे दोनों पैसे इकट्ठा करने के, की कोशिश करते हैं लेकिन असहाय रहते हैं उसी रात राजेंद्र को दिल का दौरा पड़ा और उनका निधन हो गया जबकि उनके बेटे उन्हें अस्पताल ले गए आनंद अपने आनंद ने अपने पिता की मृत्यु और उनकी आर्थिक स्थिति के कारण कैम्ब्रिज जाने से इनकार कर दिया फिर वह परिवार की आमदनी बढ़ाने के लिए शहर में पापर बेचता है एक दिन वह लल्लन सिंह से मिलता है जो श्री राम सिंह का एक एक है एक क्रोनी नौकर है जो एक हाई प्रोफाइल को, कोचिंग सेंटर चलाता है लल्लन आनंद को एक्सीलेंस को, कोचिंग सेंटर में शिक्षक के रूप में ले जाता है इससे आनंद को आर्थिक रूप से मदद मिलती है और उनके शिक्षक के लिए उनकी प्रशंसा भी होती है एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन आनंद एक लड़के की दुर्दशा देखता है जिसे गरीबी के कारण छोड़ना पड़ा राजेंद्र के शब्दों को याद करते हुए उन्हें पता चलता है कि इन गरीब बच्चों को भी पढ़ने का अधिकार है आखिरकार वह कोचिंग सेंटर छोड़ देता है और गरीब बच्चों के लिए अलग से ट्यूशन शुरू करता है जिसमें वह एक बार में तीस बच्चों को का नामांकन करता है दुर्भाग्य से यह उसे आर्थिक रूप से चोट पहुंचाता है और उसे अपनी प्रेम रुचि सुप्रिया के समर्थन की भी कीमत चुकानी पड़ती है लेकिन फिर भी वह एक आसान और मज़ेदार तरीके से अवधारणाओं को स्पष्ट करके बच्चों को एक उत्साही और व्यवहारिक तरीके से पढ़ाने का फैसला करता है यह सब लल्लन को गुस्सा दिलाता है जिसका केंद्र आनंद को नहीं बनाए रखने के लिए आलोचना का सामना कर रहा है लल्लन आनंद को वापस लाने के प्रयास में आनंद के केंद्र को मुफ्त जियामिटी बॉक्स देने की कोशिश करता है लेकिन सफल नहीं होता होता है वह आनंद को एक द्वंद युद्ध की चुनौती देता है जिसमें लल्लन के छात्र और आनंद के छात्र एक ही परीक्षा देते हैं और सबसे कम औसत तो स्कोर वाले कोचिंग सेंटर को बंद कर दिया जाएगा परीक्षा होती है परीक्षा के परिणामों की घोषणा करने वाले एक समूह एक समारोह में आनंद के छात्र यह टूट जाते हैं कि वे हार गए कागजात पेश करने के लिए जिस पर आनंद ने प्रतियोगिता से पहले हस्ताक्षर किए थे लल्लन ने सुप्रिया और उनके पति पुरुषोत्तम को एक आई अधिकारी के रूप में आमंत्रित किया जो आनंद को झटका देता है हालांकि कागजात नहीं मिले हैं जो आनंद को कागजात पर हस्ताक्षर करने के ऐसे दावों से इनकार करने के लिए प्रेरित करता है बाद में पता चलता है कि सुप्रिया ने कागजात छिपाए हैं जिसका अर्थ है कि वह गरीब बच्चों को पढ़ाने के आनंद के फैसले को समझ गई ट्यूशन के दौरान आनंद को अपने भाई प्रणव और उसकी माँ जो जन से बहुत मदद मिलती है लल्लन और श्री राम ने आनंद और छात्रों को मारने की साजिश रची ताकि उसके बच्चे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी जी की परीक्षा ना दे ललन को के दो गुंडे आनंद को बुरी तरह से चोट पहुंचाते हैं और मौत के कगार पर अस्पताल में भर्ती है वह अपने छात्रों सी, को श्री राम द्वारा भेजे गए गुंडों को हराने के लिए अपने ज्ञान का उपयोग करने के लिए कहता है जबकि उनका इलाज किया जा रहा है छात्र एकता में विभिन्न अवधारणाओं और विषयों के अपने ज्ञान का उपयोग करते हैं और गुंडों को हराते हैं आनंद का सफलतापूर्वक इलाज किया जाता है और वह स्वस्थ हो जाता है कुछ महीने बाद आईआईटी की परीक्षा देते हैं और उनमें से सभी तीस इसे सफलतापूर्वक पास कर लेते हैं तो स्टोरी यहीं समाप्त होती है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का स्टार कास्ट बताते हैं ऋतिक रोशन आनंद कुमार का रोल में नजर आए मुरुनल ठाकुर सुप्रिया कुमार सिंह का रोल में नजर आई वीरेंदर सक्सेना राजेंद्र कुमार का रोल में नजर आए नंदी नन, संधू प्रणव कुमार रोल का रोल में नजर आए आदित्य श्रीवास्तव लल्लन सिंह का रोल में नजर आए साधना सिंह जयंती कुमार का रोल में नजर आए पंकज त्रिपाठी श्री राम सिंह का रोल में नजर आए विजय वर्मा फुग्गू कुमार का रोल नजर रहा है फुग्गा कुमार का रोल में नजर है अमित सद रघुनाथ भारत का रोल में नजर आए अनु सिंह ढक ढक्का रघुनाथ से एड का रोल में नजर आए शरद सोनू हदीम मलिक का रोल में नजर आए मानव गोयल आई ए एस पुरुषोत्तम सिंह का रोल में नेजर है आयुष कुमार शुक्ला विनोद का रोल में नजर है राहुल राज किशोर करोल में नजरा है तो ये थे इस मूवी के का स्टार कास्ट चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बताते हैं इस मूवी को डायरेक्ट किया है विकास बहल ने और इस मूवी को प्रोड्यूस किया है फैंटम फिल्म्स और नारिय वाला ग्रैंड सन इंटरटेनमेंट ने और रिलायंस इंटरटेनमेंट में और साथ में आपको बता दें कि इस मूवी को लिखा है यानी कि रिटर्न बाय संजीव दत्ता ने और इस मूवी ये मूवी बेस्ड है आनंद कुमार में और इस मूवी का सिनेमाटोग्राफी अन गोस्वामी ने दिया है और इस मूवी को एडिट किया यानी कि एडिटेड बाय ए श्रीकर प्रसाद ने और इस मूवी को म्यूजिक दिया है यानी म्यूजिक बाई अजय अतुल ने और इस मूवी का रिलीज डेट ट्वेल्व जुलाई टू है और इस मूवी का रनिंग टाइम 155 मिनट्स है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का बजट और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताते हैं इस मूवी का बजट करोड़ है और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस से टू करोड़ की कमाई की है चलिए दोस्तों हम इस मूवी का रिव्यू देते हैं इस मूवी का रेटिंग की बात करें तो फाइव स्टार में से फोर पॉइंट एट स्टार मिले हैं ये पब्लिक रेटिंग है यानी कि पब्लिक रिव्यू है और ये काफी अच्छा रेटिंग है फाइव स्टार में से फोर पॉइंट एट स्टार और जैसा कि मैंने बताया कि इस मूवी का बजट सिक्सटी करोड़ है और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस से टू हंड्रेड नाइन करोड़ की कमाई की है तो ये मूवी हिट साबित हुई और क्योंकि ये मूवी हिट साबित हुई क्योंकि ये मूवी एक रियल स्टोरी पे बेस्ड है यानी कि आनंद कुमार के स्टोरी पे बेस्ड है और इस मूवी का स्टोरी भी बहुत अच्छा है यानी कि ये मूवी का स्टोरी सभी लोग बहुत पसंद कर रहे हैं बहुत लोग इस मूवी का स्टोरी बहुत पसंद कर रहे हैं और इस मूवी का स्टोरी अच्छा है तो आप इस मूवी को ज़रूर देखें हेलो दोस्तों तो आज हम सुपर थर्टी मूवी का फैक्ट एंड रिव्यू बताएंगे तो सबसे पहले हम सुपर थर्टी मूवी का स्टोरी बताते हैं फिल्म फुग्गा के साथ शुरू होती है जो एक सफल व्यक्ति है जो लंदन में अपनी बात रखता है फुग्गा अपने शिक्षक आनंद कुमार से सीखने के अपने अनुभव को याद करते हैं कॉलेज में एक छोटे आनंद को दिखाने के लिए ड्रेस समय पर वापस जाते हैं आनंद एक निमन वर्ग का छात्र है जिसे पढ़ाई का शौक है और वह इसमें अच्छा है एक स्थानीय प्रतियोगिता सत्कार में स्थानीय मंत्री श्री राम सिंह उस पर गर्व करते हैं जब भी ज़रूरत होती है मदद करने का वादा करते हैं आनंद अक्सर विदेशी गणित पत्रिका में समस्याओं को हल करके गणित सीखने के लिए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के पुस्तकालय जाते हैं एक दिन पुस्तकालय पर्यच पर्यवेक्षक अंत में उसे पकड़ लेता है और कहता है कि उसे वहाँ पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है एक स्टाफ सदस्य ने सुझाव दिया कि वह इस पत्रिका में अपना लेख प्रकाशित करवाएं और इसके लिए जीवन भर मुफ्त सदस्यता प्राप्त करें। आनंद डाक घर जाता है जहां उसके पिता राजेंद्र प्रधान के रूप में काम करते हैं और गणित की एक कठिन समस्या के समाधान के संबंध में एक पत्र पोस्ट करते हैं जिसे अभी तक कोई हल नहीं कर पाया है फिर वह समस्या को हल करने के लिए पत्रिका में छप जाता है और कैम कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रिचर्ड से वहां एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए एक पत्र प्राप्त करता है आनंद का परिवार उनका पूरा समर्थन करता है लेकिन परिवार के पास इतना पैसा नहीं है कि वे इंग, इंग्लैंड जा सके आनंद और राजेंद्र मंत्री श्री राम सिंह के पास मदद के लिए जाते हैं लेकिन वह ऐसे किसी भी वादे से इनकार करते हैं आनंद सबूत के तौर पर अपना मेडल देखने दिखाने की कोशिश करते हैं और श्री राम के सम्मान की याद दिलाते हैं लेकिन फिर भी पैसे नहीं मिलते हैं वे दोनों पैसे इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं लेकिन असहाय रहते हैं उसी रात राजेंद्र को डील का दौरा पड़ा और उनका निधन हो गया जबकि उनके बेटे उन्हें अस्पताल ले गए आनंद, अपन, आनंद ने अपने पिता की मृत्यु और उनकी आर्थिक स्थिति के कारण कैम्ब्रिज जाने से इनकार कर दिया फिर वह परिवार की आमदनी बढ़ाने के लिए शहर में पापर बेचता है एक दिन वह लल्लन सिंह से मिलता है जो श्री राम सिंह का एक ए, एक है एक क्रोनी नौकर है जो एक हाई प्रोफाइल को, कोचिंग सेंटर चलाता है लल्लन आनंद को एक्सीलेंस कोचिंग सेंटर में शिक्षक के रूप में ले जाता है इससे आनंद को आर्थिक रूप से मदद मिलती है और उनके शिक्षक के लिए उनकी प्रशंसा भी होती है एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन आनंद एक लड़के की दुर्दशा देखता है जिसे गरीबी के कारण छोड़ना पड़ा राजेंद्र के शब्दों को याद करते हुए उन्हें पता चलता है कि इन गरीब बच्चों को भी पढ़ने का अधिकार है आखिरकार वह कोचिंग सेंटर छोड़ देता है और गरीब बच्चों के लिए अलग से ट्यूशन शुरू करता है जिसमें वह एक बार में तीस बच्चों को का नामांकन करता है दुर्भाग्य से यह उसे आर्थिक रूप से चोट पहुंचाता है और उसे अपनी प्रेम रुचि सुप्रिया के समर्थन की भी कीमत चुकानी पड़ती है लेकिन फिर भी वह एक आसान और मज़ेदार तरीके से अवधारणाओं को स्पष्ट करके बच्चों को एक उत्साही और व्यवहारिक तरीके से पढ़ाने का फैसला करता है यह सब लल्लन को गुस्सा दिलाता है जिसका केंद्र आनंद को नहीं बनाए रखने के लिए आलोचना का सामना कर रहा है लल्लन आनंद को वापस लाने के प्रयास में आनंद के केंद्र को मुफ्त जियो जियामी मिट्टी बॉक्स देने की कोशिश करता है लेकिन सफल नहीं होता होता है वह आनंद को एक द, दु, युद्ध की चुनौती देता है जिसमें लल्लन के छात्र और आनंद के छात्र एक ही परीक्षा देते हैं और सबसे कम औसत स्कोर वाले कोचिंग सेंटर को बंद कर दिया जाएगा परीक्षा होती है परीक्षा के परिणामों की घोषणा करने वाले एक समूह एक समारोह में आनंद के छात्र यह टूट जाते हैं कि वे हार गए कागजात पेश करने के लिए जिस पर आनंद ने प्रतियोगिता से पहले हस्ताक्षर किए थे लल्लन ने सुप्रिया और उनके पति पुरुषोत्तम को एक आई अधिकारी के रूप में आमंत्रित किया जो आनंद को झटका देता है हालांकि कागजात नहीं मिले हैं जो आनंद को कागजात पर हस्ताक्षर करने के ऐसे दावों से इनकार करने के लिए प्रेरित करता है बाद में पता चलता है कि सुप्रिया ने कागजात छिपाए हैं जिसका अर्थ है कि वह गरीब बच्चों को पढ़ाने के आनंद के फैसले को समझ गई ट्यूशन के दौरान आनंद को अपने भाई प्रणव और उसकी माँ जो जन से बहुत मदद मिलती है लल्लन और श्री राम ने आनंद और छात्रों को मारने की साजिश रची ताकि उसके बच्चे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी जी की परीक्षा ना दे ललन को के दो गुंडे आनंद को बुरी तरह से चोट पहुंचाते हैं और मौत के कगार पर अस्पताल में भर्ती है वह अपने छात्रों को श्री राम द्वारा भेजे गए गुंडों को हराने के लिए अपने ज्ञान का उपयोग करने के लिए कहता है जबकि उनका इलाज किया जा रहा है छात्र एकता में विभिन्न अवधारणाओं और विषयों के अपने ज्ञान का उपयोग करते हैं और गुंडों को हराते हैं आनंद का सफलतापूर्वक इलाज किया जाता है और वह स्वस्थ हो जाता है कुछ महीने बाद आईआईटी की परीक्षा देते हैं और उनमें से सभी तीस इसे सफलतापूर्वक पास कर लेते हैं तो स्टोरी यहीं समाप्त होती है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का स्टार कास्ट बताते हैं ऋतिक रोशन आनंद कुमार का रोल में नजर आए मुरुनल ठाकुर सुप्रिया कुमार सिंह का रोल में नजर आई वीरेंद्र सक्सेना राजेंद्र कुमार का रोल में नजर आए नंदी नन, संधू प्रणव कुमार का रोल में नजर आए आदित्य श्रीवास्तव लल्लन सिंह का रोल में नजर आए साधना सिंह जयंती कुमार का रोल में नजर आए पंकज त्रिपाठी श्री राम सिंह का रोल में नजर आए विजय वर्मा फुग्गू कुमार का रोल में नजरा है फुग्गा कुमार का रोल में नजर है अमित सद रघुनाथ भारत का रोल में नजर आए अनु सिंह ढक ढक्का रघुनाथ से एड का रोल में नजर आए शरद सोनू हदीम मलिक का रोल में नजर आए मानव गोयल आई ए एस पुरुषोत्तम सिंह का रोल में नजर है आयुष कुमार शुक्ला विनोद का रोल में नजर आया राहुल राज किशोर करोल में नजर है तो ये थे इस मूवी के का स्टार कास्ट चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बताते हैं इस मूवी को डायरेक्ट किया है विकास बहल ने और इस मूवी को प्रोड्यूस किया है फैंटम फिल्म्स और नारिय वाला ग्रैंड सन इंटरटेनमेंट ने और रिलायंस इंटरटेनमेंट में और साथ में आपको बता दें कि इस मूवी को लिखा है यानी कि रिटर्न बाय संजीव दत्ता ने और इस मूवी ये मूवी बेस्ड है आनंद कुमार में और इस मूवी का सिनेमाटोग्राफी अन अनाई गोस्वामी ने दिया है और इस मूवी को एडिट किया यानी कि एडिटेड बाय ए श्रीकर प्रसाद ने और इस मूवी को म्यूजिक दिया है यानी म्यूजिक बाई अजय अतुल ने और इस मूवी का रिलीज डेट ट्वेल्व जुलाई टू है और इस मूवी का रनिंग टाइम 155 मिनट्स है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का बजट और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताते हैं इस मूवी का बजट सिक्सटी करोड़ है और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस से टू हंड्रेड नाइन करोड़ की कमाई की है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का रिव्यू देते हैं इस मूवी का रेटिंग की बात करें तो फाइव स्टार में से फोर पॉइंट एट स्टार मिले हैं ये पब्लिक रेटिंग है यानी कि पब्लिक रिव्यू है और ये काफी अच्छा रेटिंग है फाइव स्टार में से फोर पॉइंट एट स्टार और जैसा कि मैंने बताया कि इस मूवी का बजट सिक्सटी करोड़ है और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस से टू हंड्रेड नाइन करोड़ की कमाई की है तो ये मूवी हिट साबित हुई और क्योंकि ये मूवी हिट साबित हुई क्योंकि ये मूवी एक रियल स्टोरी पे बेस्ड है यानी कि आनंद कुमार के स्टोरी पे बेस्ड है और इस मूवी का स्टोरी भी बहुत अच्छा है यानी कि ये मूवी का स्टोरी सभी लोग बहुत पसंद कर रहे हैं बहुत लोग इस मूवी का स्टोरी बहुत पसंद कर रहे हैं और इस मूवी का स्टोरी अच्छा है तो आप इस मूवी को जरूर देखें